السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم। अल्लाह ताला के लिए हर तरह की तारीफ़ और तौसीफ़ और हमदो सना है जिसके फजल एहसान से आज किस बाबरकत मजलिस में हम जमा हुए हैं। अल्लाह ताला यहाँ हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद को हमारे दुखों का इलाज, हमारे गमों का मदावा बना दे। अल्लाह ताला हमको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, उसकी तिलावत को अपना मामूल बनाने, उसकी आयतों को में गौर व फिक्र करने और उसको अपनी दावत का निसाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा की तफसीर का सिलसिला चल रहा है और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 158 में हद से मुतालिक एक चीज़ बयान की है। मैंने सूरह बकरा की तफसीर के आगाज़ में ये बात आपसे कही थी कि सूरह बकरा की एक बड़ी खासियत यह है ना कि सूरह बकरा में इस्लाम और ईमान के तकरीबन तमाम अरकान जितने भी हैं उन सब का जिक्र आ गया है। तो अगर बंदा नमाज का भी जिक्र बहुत तफसील से इंशाअल्लाह ताला आया है, रोज़ों का जिक्र, हज का जिक्र, ज़कात का जिक्र, मुख्तलिफ जो इबादतें हैं उनका भी जिक्र आया है, अखलाकी मामलात का भी जिक्र आया है, बहुत सारे मामलात का भी जिक्र आया है, उकूद का जिक्र आया है, अकायद का जिक्र तो बहरहाल है। तो सूरह बकरा एक तरह से पूरे दीन का एक जामे निसाब है और सूरह बकरा जो शख्स पढ़ता है तो उसको दीन की बुनियादी चीज़ों का इल्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर हज से मुतालिक एक रुकन का जिक्र सूरह बकरा के अंदर हुआ है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा तमिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायर में से एक शईरा हैं। शायर में से दो एक शईरा हैं, सफा और मरवा। सफा क्या होता है, मरवा क्या है? सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां हैं जो काबा की मशरिकी जानिब हैं और काबा के करीब में मौजूद हैं। सफा और मरवा, सफा का असल नाम है जबल अबी कुबैस और मरवा का असल नाम है तुईकान। सफा का असल नाम है जबल अबी कुबैस और मरवा का असल नाम है तुईकान। ये दो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी और जाहिर सी बात है ये अल्लाह के नबी के ज़माने में, अल्लाह के नबी से पहले बड़ी पहाड़ियां रही होंगी, लेकिन इस वक्त वो पहाड़ियां कोई बहुत ऊंची पहाड़ियां नहीं बची हैं क्योंकि जाहिर सी बात है करोड़ों की बल्कि अरबों की तादाद में लोग वहां से गुजरे हैं। तो बेसिक जो ज्योग्राफी का एक उसूल होता है, फिजिक्स का एक उसूल होता है कि एक जगह से जब आदमी बहुत ज़्यादा गुजरता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियाँ जो हैं वो छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। तो सफ़ा और मरवा ये दो पहाड़ियाँ हैं, काबा की मशरिकी जानिब हैं, काबा से करीब में हैं और इसका सही इसमें इनके दरमियान की जाती है, इनके दरमियान चला जाता है, दौड़ा जाता है और इनके दरमियान की सही ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी हाजर उनकी याद में की जाती है। आप लोगों को वाकया बहुत तफसील से पता होगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया गया कि आप अपने बच्चे इस्माईल और अपनी बीवी हाजर को काबतुल्लाह के पास छोड़ करके चले जाओ और वो छोड़ करके चले गए, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ना खाने के लिए खाना था, ना पीने के लिए पानी था, तो इंसान वहाँ पर नहीं बसता था, हत्ता कि वहाँ पर कोई जानवर और कोई परिंदा भी नहीं पाया जाता था, बिल्कुल बेआबो गया वादी थी क्योंकि वहाँ ना पानी था ना खाना था, तो परिंदा तक भी नहीं था क्योंकि परिंदे भी ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पानी हो। ऐसी जगहों पर छोड़ करके चले गए थे, ऐसी जगह पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़ करके गए। अल्लाह ताला उनको आजमाना चाहता था, तो आजमाइश एक इस तरह की हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब तक के खाना और पानी था तब तक तो वो हज़रत इस्माईल को खाना और पानी पिलाती नहीं, जब खाना पानी खत्म हो गया, हज़रत इस्माईल छोटे से बच्चे हैं, गोद में हैं, दूध पीते बच्चे हैं, उनको प्यास लगती है, प्यास की शिद्दत से वो रोते हैं, माँ का जिगर जो है वो बच्चे की तकलीफ देख करके छलनी हो जाता है और वो चक्कर लगाती है, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा चक्कर लगाती है। चक्कर लगाने का मकसद ये है कि कोई पानी पिलाने वाला शख्स मिल जाए, कोई काफिला मिल जाए, कहीं से पानी दस्तियाब हो जाए तो अपने बच्चे की प्यास बुझा सके। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उनका एक इम्तिहान होता है, एक आजमाइश होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इम्तिहान ऐसे ही लेता है। अल्लाह ताला को पानी पिलाना था लेकिन पानी पिलाने से पहले अल्लाह ताला हजरत हाजर का तवक्कुल चेक कर रहा था, हजरत हाजर की सब्र और उनकी
मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर से उनकी उम्मीद को चेक कर रहा था, और ये 7 चक्कर वो लगाती हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत इस्माइल जहाँ पे मौजूद होते हैं वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी निकालता है। उस कुआं बाकायदा वहाँ पर पानी इतना शिद्दत से निकलता है कि उस इलाके को ही जमजम का कुआं कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अब तक के उस पानी से अपने बंदों को सैराब कर रहे हैं। तो हजरत इस्माइल की वालिदा हाजर के इस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन रहती दुनिया तक के बाकी रख देता है, और हज और उमरा करने वालों पर ये वाजिब कर दिया जाता है, बल्कि हज का ये रुकन बना दिया जाता है, उमरा का ये रुकन बना दिया जाता है कि जो भी हज और उमरा करे वो ये सही करके हजरत हाजर की याद को ताज़ा करे, उनके तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, उनके एतमाद, उनके ईमान और उनके सब्र को याद करे जब वो सफा और मरवा के दरमियान सही करे। तो ये सफा और मरवा के दरमियान सही अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको दीन का एक शईरा बना देता है। फरमाया इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह के शायर में, यानी सफा और मरवा खुद एक अल्लाह की निशानी है। और फिर ये कि सफा और मरवा के दरमियान असल चीज जो शईरा है, जो निशानी है, वो क्या है? वो है उनके दरमियान सही करना। शईरा ये शईरतुन की जमा है, और शईरा ये शुरूर से बना है। शुरूर का मतलब होता है किसी चीज को समझना, है ना, हम कहते हैं साहिब शुरूर या सी शुरूर, समझने वाली चीजों को। तो शायर ऐसी चीजों को कहा जाता है जिनको देख करके आप दीन को समझें। तो जैसे हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सिंबल या साइन जो हम कहते हैं ना, तो अलग अलग अदियान के अलग अलग शायर होते हैं जिनको देख करके आपके जहन में वो दीन आता है। मसलन आप अगर किसी को अजान होता हुआ किसी आबादी में सुनते हैं, तो एक अजान जो है वो क्या है? दीन का एक शायरा है, जिसको सुन करके आप ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर बसने वाले लोग मुसलमान हैं। नकाब भी एक शायरा है, दाढ़ी एक शायरा है। हज बैतुल्लाह में मुख्तलिफ किस्म के जो आमाल अंजाम दिए जाते हैं वो अल्लाह ताला के शायर हैं। तो मस्जिदें जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायर हैं। तो शईरा का मतलब होता है सिंबल, अलामतें जो हमारे दीन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमारे दीन की नुमाइंदा हैं। अल्लाह ने फरमाया सफ़ा और मरवा, और असल सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना ये अल्लाह ताला के दीन की सिंबल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निशानियाँ हैं। यानी शईरा आमतौर पर वो होता है जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, यानी नेकियाँ छोटी बड़ी हर तरह की होती हैं, पर वो नेकी जो बहुत बड़ी होती है उसको दीन का शईरा कहा जाता है। और फिर ये कि वो शईरा जो है ना उसका इजहार किया जाता है, क्योंकि कुछ नेकियां तो वो होती है ना जो बंदा छुप करके करता है, पर शायर का मतलब ये होता है कि आप उसका इजहार करते हैं, उसको दिखाते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला अमल है, तो वो छुप करके नहीं किया जाता। जैसे हज के जो मनासिक है उनको शायर इसलिए कहा गया क्योंकि उनको बाकायदा आप उनका इजहार करते हैं, उससे इस्लाम की एक इस्लाम अपने मुसलमान होने का आप ऐलान करते हैं, अपने मुसलमान होने का आप इजहार करते हैं। तो शईरा वो होता है ना जो वो दीन के बड़े आमाल हैं जिनका बाकायदा इजहार किया जाता है, जिसके जरिए से आप इस्लाम का इजहार करते हैं। तो सफा और जैसे आप काबतुल्ला में जब हज करने के लिए काबतुल्ला की तरफ जाते हैं तो आप कोई काम छुप छुपा करके नहीं करते ना, हर जो काम आप करते हैं, चाहे आप तवाफ कर रहे हो, चाहे आप वकूफ अरफा में हो, चाहे आप जो है मुजदलफा में हो, मीना में हो, आप जो है जमरात को कंकड़ियां मार रहे हो, या आप जानवर जबा कर रहे हो, जो भी आप काम अंजाम देते हैं वो क्या है, वो छुप छुपा के करने वाले नहीं है, बल्कि उनका खुल करके इजहार किया जाता है। जैसे आप कुर्बानी भी करते हैं ईद उल अजहा में, तो कुर्बानी भी क्या है, इस्लाम का एक शईरा है जिसका आप खुल करके इजहार करते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी के जमाने में कुर्बानियां घरों के अंदर नहीं होती थी, बल्कि बाकायदा अपने जानवरों को ईदगाह में ला करके कुर्बान किया जाता था। तो शईरा जो है ना, एक तो वो आमाल होते हैं दीन के जो बहुत अहम हो, बहुत बड़े हों, और फिर उनका खुल करके इजहार किया जाता है। वो ऐसी चीजें नहीं होती जिनको छुपाया जाए। शायर का मतलब ही होता है वो चीजें जिनका दिखाया, जिनको दिखाया जाए, नहीं दिखाने का मकसद दिखावा करना नहीं होता है, पर दिखाने का मकसद ऐलान करना होता है अपने दीन का, अपने कलमा को बुलंद करना होता है, और अपने इस्लाम के गलबे का को रिप्रेजेंट करना होता है। तो अल्लाह ने फरमाई है सफा और मरवा, और इन सफा और मरवा के दरमियान जो हाजी सही करते हैं ये क्या है, मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह के शायर में से, अल्लाह के सिंबल्स में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जिनको देख करके हमको अल्लाह याद आता है, और अल्लाह पे तवक्कुल का क्या फ़ायदा है ये याद आता है। अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों की मदद करता है, वो बंदे जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं अल्लाह कैसे उनका सहारा बनता है हमको याद आता है। और ये सही जो है वो हमको इस्लाम की याद ताज़ा करती है, इस्लाम का, इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है। मन हज बैता अब तमारा, तो जो भी शख्स हज बैतुल्लाह करे या उमरा करे, हज्जा का असल मतलब होता है कसद करना, इंटेंड करना। तो फमन हज्जल बैता, जो कसद करे अल्लाह के घर का, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का, हज करना चाहे अब इतमारा या उमरा करना चाहे, उमरा का असल मतलब होता है जियारत, और उमरा जो है खास तरह की इबादत है, हज भी एक खास तरह की इबादत है, हज जो है वो इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। तो जो
हज करना चाहे बैतुल्लाह का या फिर उमरा करना चाहे, फला जुनाह अलैही, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, उस पर कोई पकड़ नहीं है, अन यतवफ बिहिमा, अगर वो उन दोनों का खूब खूब तवाफ करे। ताफ यतूफ़ का मतलब होता है तवाफ करना, लिखना है यतूफ़ नहीं कहा बल्कि यतवफ़ कहा, तवफ़ा यतवफ़ा उससे बना है, तो यतवफ़ा में, यतवफ़ा में जो है ना मुबालगा के माने पाए जाते हैं, तो मुबालगे की वजह से इसको यतूफ़ नहीं कहा, यतवफ़ा कहा। तो अगर इसलिए इसका तर्जमा बेहतर ये होगा कि हम करें कि खूब खूब अगर उसका तवाफ़ कर ले यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान अगर सही करें तो उनको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। वमन ततवा खैरन, और जो कोई खुशी से नेकी का काम करे, जो जो कोई वॉलेंटरी नेकी का काम करे, इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला शाकिर है यानी कदरदान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों का बेहतरीन बदला देने वाला है, अप्रिशिएट करने वाला है, अलीमुन और अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म रखने वाला है। तर्जमा एक मरतबा फिर से समझ लें, इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला के शाइर में से हैं। फमन हज्जल बैता, तो जो बैतुल्लाह का हज करे, अब इतमरा क्या उमरा करे, फला जुनाह अलैही, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, अय्यत तवफा बिहिमा, कि वो इनका तवाफ करे यानी इनके दरमियान सही करे। वमन ततवा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो खैर और भलाई का काम करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कदरदान है, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन बदला उसको देगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम भी है, उसके नेकियों को जानने वाला भी है जो उसने वॉलंटरी अल्लाह ताला के लिए की है। तो असफा और मरवा इन दोनों का मैंने माना, और ये कौन से पहाड़ हैं ये मैंने आपको बता दिए। इस आयत से हमको बहुत सारी बातें समझने को मिलती हैं। पहली बात तो हमको ये समझने मिलती है कि देखिए इस्लाम में औरत का मकाम कितना बुलंद है, और माँ की अजमत, बल्कि माँ की अजमत हमको समझने को मिलती है कि हज़रत खदीजा रज़ी, हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका जो अमल था वो क्या था, एक माँ की मोहब्बत थी, एक माँ की तलब थी, वो अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पती है। तो हज़रत हाजर का ये जो सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना था, ये एक माँ की मोहब्बत का इजहार था कि माँ अपने बच्चे के लिए कैसे परेशान है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अपने दीन का, बल्कि दीन के रुकन में से जो एक अहम तरीन रुकन है हज, और हज के अरकान में एक अहम तरीन रुकन सफ़ा और मरवा की साई को बना दिया। यानी गोया की एक माँ की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने अपने दीन का सिंबल बना दिया। हजरत खदीजा, हजरत हाजर का सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना ये क्या था, ये एक माँ की मोहब्बत का इजहार था कि वो अपने बच्चे से कैसी मोहब्बत करती है। फिर हजरत हाजर के इस सही में भी बहुत सारी हमारे लिए नसीहतें, यानी हजरत हाजर जो है वो बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करने वाली और भरोसा करने वाली खातून थी। लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल का मतलब ये नहीं होता था कि वो एक जगह बैठ करके अल्लाह पे भरोसा करे, तवक्कुल तो बहुत था, तवक्कुल तो इतना था कि हज़रत इब्राहिम जब उनको छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने पूछा हज़रत इब्राहिम से कि आप हमें यहाँ किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं, क्या अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर हमें छोड़ के जाने का हुक्म दिया है। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा हाँ अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया कि तुमको यहाँ पर छोड़ दें। तो हज़रत हाजर ने कहा इदल्ला युज़य्युना, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करने देगा, अल्लाह हमको ज़ाय नहीं होने देगा, अल्लाह हमको बर्बाद नहीं होने देगा, अल्लाह ताला इंतजाम कर देगा हमारे रहने के। बज़ाहिर असबाब नहीं दिख रहे थे लेकिन अल्लाह पे ऐसा भरोसा है कि अगर अल्लाह ने छोड़ने का हुक्म दिया है तो फिर अल्लाह ताला इंतजाम भी कर देगा, अल्लाह कोई ना कोई एहतमाम करेगा यहाँ पर जिंदगी गुजारने का, किसी ना किसी तरह हम सर्वाइव कर जाएंगे। एतमाद अल्लाह पे, तवक्कुल अल्लाह पे भरोसा इतना ज्यादा है। लेकिन जब बच्चे को प्यास लगी तो ये नहीं हुआ कि सिर्फ बैठ करके हाथ उठा करके दुआ करनी है, उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की। तो हमको ये पता चलता है ना कि हज़रत हाजर के इस अमल से सफ़ा और मरवा के दरमियान जो उन्होंने सही की, इससे हमको ये पता चलता है कि तवक्कुल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अल्लाह से दुआ करें, तवक्कुल का मतलब ये भी है कि आपको अपनी कोशिश भी करनी है, अपनी मेहनत भी करनी है, अपने एफर्ट्स लगाने हैं। एक दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल असबाब बनाया है, तो एक नतीजे तक पहुँचने के लिए जो मीन्स अल्लाह ताला ने रखे हैं वो मीन्स आपको इख्तियार करने, अपनी कोशिश करने के साथ साथ अल्लाह पे तवक्कुल करना है, और अपनी कोशिश से ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद करना है, और ये सोचना है कि मेरी कोशिशें काबिले असर उसी वक्त हो सकती हैं, मेरी कोशिशों में तासीर उसी वक्त पैदा होगी जब अल्लाह इसके अंदर तासीर डालेगा। ये बहुत बड़ा सही से हमको एक सबक मिलता है कि अल्लाह, हजरत हाजर जो भागी है तो तवक्कुल बहुत था लेकिन वहां बैठ करके दुआ नहीं कर रही है बल्कि अपनी कोशिश भी लगा रही है। तो जो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि काम नहीं कर रहे, कारोबार नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे, बस गए अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला दे देगा, मेहनत नहीं कर रहे, कह रहे अल्लाह ताला कामयाब कर देगा। मेहनत जो है वो लाजमी शर्त है, अपनी कोशिश करना लाजमी शर्त है, अपनी कोशिश करने के बाद अल्लाह पे भरोसा भी करना है
और अल्लाह के नबी सल्लम की बहुत मशहूर हदीस है ना कि एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं ऊँट को बांध करके अल्लाह पे तवक्कुल करूँ या ऊँट को छोड़ करके अल्लाह पे तवक्कुल करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो, अपने असबाब इख्तियार करो, अपनी कोशिश कर लो और कोशिश करने के बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो कि मेरी ये कोशिश उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब अल्लाह चाहेगा कि ये कामयाब हो। हजरत हाजर की सही से एक नसीहत हमको ये भी मिलती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को जाया नहीं होने देता। अल्लाह ताला ऐसे यानी मौजजे की, अल्लाह ताला की मौजजात का जहूर करता है ऐसी जगह जहां पर ना खाने के लिए खाना है ना पीने के लिए पानी है। अल्लाह ताला ने कैसे एक बच्चे की प्यास बुझाने के लिए एक पूरा कुआं वजूद दे दिया अल्लाह ताला ने। एक पूरा कुआं जो है वो निकल करके आ गया, क्या था, हजरत इस्माइल की प्यास बुझाने के। तो जब बंदा अल्लाह पे तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला बंदे को जाया नहीं होने देता, मौजजात का जोर होता है। अल्लाह ताला उन तक के अपनी नेमतें पहुंचाने के लिए नाकाबिल यकीन चीजों को काबिल यकीन बना देता है। तो बंदा अल्लाह पे तवक्कुल करे तो इस हद तक तवक्कुल करे, यानी इतना तवक्कुल कि एक बे आब गया वादी में जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं है, डेजर्ट है, सहरा है, दूर दूर तक रेतीली जमीन है, तवक्कुल यह है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह यहीं से पानी निकालेगा। तवक्कुल इस दर्जे का होना चाहिए, बंदा असबाब देखकर तवक्कुल नहीं करे। जब अल्लाह पे आप तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह की कुदरत देखकर तवक्कुल करिए, ये मत देखिए कि पॉसिबिलिटी क्या है, ये देखिए कि अल्लाह ताला की कुदरत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, किसी हालत में भी मायूस नहीं होना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से। यानी ये देखिए, हम अगर ऐसे मरहले पे होते हैं तो हमारी उम्मीद क्या होती है, हम सोचते कि ये सहरा यहाँ पर पानी कहाँ मिल जाने वाला, और एक नहीं सात चक्कर लगा रही है, फिर भी अल्लाह पे तवक्कुल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं ना कहीं से अपनी मदद नाजिल करेगा। तो अल्लाह ने ऐसे मदद नाजिल की कि एक बच्चे की प्यास बुझानी थी, अल्लाह ताला ने ऐसा कुआं वजूद में लाया वहां पर कि एक कुआं एक बच्चे नहीं एक जमाने से इंसानों की प्यास बुझाने का जरिया बन गया वो कुआं, जमजम का कुआं। बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि वो जमजम नहीं कहते, उसको रोकती नहीं तो अल्लाह ताला बहुत पानी उसके अंदर से निकाल देता। तो ये हजरत हाजर के सही में उनके दौड़ने में एक हमारे लिए भी नसीहत, हजरत हाजर की दौड़ने में एक बड़ी प्यारी नसीहत हमारे लिए भी है ना कि हजरत हाजर जो है वो अल्लाह ताला चाहता तो जैसे दुआ करती वैसे ही जो है ना पानी निकल जाता, तो अल्लाह पे बहुत तवक्कुल था। पर अल्लाह ताला हजरत हाजर को आजमा रहा था, उनके पेशेंस को, उनकी उनके सब्र को, उनके तवक्कुल को, अल्लाह पे उनके भरोसे को कि कितना देर वो बर्दाश्त करती है, उनकी कुव्वत बर्दाश्त को आजमा रहा था, उनके तवक्कुल को आजमा रहा था। एक बार दौड़ी, दो बार दौड़ी, तीन बार दौड़ी, चार बार दौड़ी, पांच बार, छह बार, सात बार दौड़ी है, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी निकाला उस कुएं से। और जो लोग जो हाजी सफा मरवा के दरमियान सही करते हैं वो समझ सकते हैं कि एक औरत का अपने बच्चे को छोड़ करके, अभी तो बहुत सारी सहूलतें आ गई सहरा में पहाड़ी इलाकों में, दौड़ना कोई आसान चीज नहीं रही होगी, अपने बच्चे को छोड़ करके जाना आना सात मरतबा चक्कर लगाना, हाँ ये कोई आसान चीज नहीं रही होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को आजमाता है। अल्लाह ने एक वक्त तय किया था, ये भी तय था कि पानी कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, ये सब तय था। लेकिन पानी निकालने से पहले अल्लाह ताला बंदे के सब्र का इम्तिहान लेता है। ये हमारे साथ भी जिंदगी में बहुत मरतबा हो रहा है, हम अल्लाह से कुछ मांगे जा रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे, एक अटेम्प्ट में, दो अटेम्प्ट में, तीन अटेम्प्ट में, चार अटेम्प्ट में, पांच अटेम्प्ट में, अल्लाह से मायूस मत हो, कोशिश करते रहो अपनी, अल्लाह से उम्मीद रखो कि इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह को कामयाब करना होगा कामयाब करेंगे, हमको अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हजरत हाजर की शख्सियत में हमारे लिए हौसले, हमारे लिए हिम्मत, हमारे लिए कुव्वत, ताकत और अजीमत की बहुत बड़ी एक इबरत और बहुत बड़ा एक नसीहत और सबक है कि बंदे को अपनी हिम्मत नहीं हारनी, वो अपना अटेम्प्ट करे, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, सात मरतबा भी कर रहे हैं, आखिरी मरतबा में अल्लाह ताला ने कामयाब किया। जिंदगी में कभी ऐसा होता है कोई कारोबार हमने शुरू किया, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा कामयाब नहीं हो रहे, बंदा अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। कोई कोशिश की किसी इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिल रही, कोई कोशिश की कहीं पर निकाह करना है, कोई कारोबार शुरू करना है, कोई सामान खरीदना है, कोई चीज बनानी है, घर बनाना है, कोई इलाज कराना है, कामयाब नहीं हो पा रहे, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। बस ये समझिए कि अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह मेरे सब्र को आजमा रहा है, मुझे अल्लाह पे अपना भरोसा कायम करके रखना है, अपनी कोशिश करनी है, पानी निकलेगा इंशाल्लाह, जब अल्लाह ताला चाहेगा, जहां से अल्लाह ताला चाहेगा पानी निकलेगा। मुझको सब्र के साथ तवक्कुल के मैदान में, अल्लाह की इताअत के मैदान में अपनी मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए हजरत हाजर के सही को उनके अपने बच्चे के लिए मोहब्बत में यहाँ और वहां भागने को अल्लाह ताला ने कैसे एक दीन की अलामत बता दिया, एक दीन का सिंबल बना दिया। जब भी कोई शख्स, यानी लाखों लोगों ने उसके बाद से हज उमरा किया, जब भी कोई हज उमरा करने जाएगा उस माँ की मोहब्बत को याद करेगा, माँ की अजमत हमको समझ में आती है।
हमको अल्लाह पे तवक्कुल की अहमियत समझ में आती है, और हमको ये समझ में आता है कि हमको सब्र करना है अल्लाह ताला के लिए। तवक्कुल का मतलब ये नहीं होता कि कोई बटन आपने तवक्कुल का दबा दिया, जैसे ही आप बटन दबाएंगे फौरन नतीजे जाहिर हो जाएंगे। आपको सब्र के साथ अपने मौके का इंतजार करना है, अपने वक्त का इंतजार करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हर चीज़ का एक वक्त मुतय्यन है, वक्त मुतय्यन पर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अपनी नेमतों का नुज़ूल होता है, फतह नुसरत का नुज़ूल होता है। तब तक ये बंदा सब्र के साथ, तकवे के साथ, इताअत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में डटा रहे, अपनी मेहनतें वो करते रहे। इन सफा मल मरवता मिन शाअरिल्लाह, सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मिन का मतलब कि अल्लाह की निशानियां बहुत सारी हैं, इसको कहते हैं मिन तबईजिया, कि अल्लाह की निशानियां बहुत सारी है, उसमें से एक सफा और मरवा भी है, सफा और मरवा के दरमियान सही करना भी है। पमन हज अल बैत अवी तमरा, तो जो बैतुल्ला का हज करे या उमरा करे, फला जुनाह अलैही अन यतवफा बिहिमा, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है अगर वो उनका खूब खूब तवाफ कर ले, सफा और मरवा का तवाफ कर ले तो कोई गुनाह उसके ऊपर नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि उस पर गुनाह नहीं है? बज़ाहिर जो है वो तो ये समझ में आता है कि इस आयत से तो ये समझ में आ रहा है कि अगर कर ले तो भी कोई, क्योंकि हम कब कहते हैं कि कोई गुनाह नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में कहते हैं कोई गुनाह नहीं जो मुबाह है, मुबाह चीज़ों के बारे में कहा जाता है ना कि भाई फला चीज़ तुम खा लो, कोई गुनाह नहीं। गुनाह नहीं का मतलब सवाब भी नहीं, गुनाह भी नहीं। तो यहाँ पर तो मसला ये नहीं है कि तवाफ़ करने पर आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा, ऐसी चीज़ों पर तो ये कहना चाहिए ना कि तो उनका तवाफ़ उनको करना चाहिए, हुक्म देना चाहिए। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने फरमाया फला जुनाह अलैही, अगर कोई तवाफ़ कर ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो बज़ाहिर अल्फाज से समझ में आ रहा है कि तवाफ़ कर ले तो कोई गुनाह नहीं, इसका मतलब अगर छोड़ देगा भी तो कोई गुनाह नहीं। अल्फाज बज़ाहिर जो है वो इस बात पर दलालत कर रहे हैं, अगर हम आयत का पस मंज़र ना जानते हों, आयत का शान नुज़ूल ना जानते हों, तो बज़ाहिर हमको आयत का मतलब ये लगेगा कि अगर कोई कर ले तो अच्छी बात है, कोई गुनाह नहीं है, नहीं करेगा तो भी कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जो मुबाह चीज़ें होती हैं उनके लिए ताबीद इस्तेमाल की जाती है कि अगर तुम ये काम कर लो तो कोई गुनाह नहीं, मतलब ये है कि सवाब भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है। लेकिन यहाँ मकसद ये नहीं, बैतुल्ला का तवाफ करना ना सिर्फ यानी बैतुल्ला हज के वक्त और उमरा के वक्त सफा और मरवा के दरमियान सही करना ना सिर्फ ये कि वाजिब है, बल्कि हज और उमरे का एक रुकन है। उसके बगैर ना हज आदमी का मुकम्मल होगा ना उमरा उसका मुकम्मल होगा, तो रुकन है, इसेंशियल पार्ट है उसका, उसका हिस्सा है, उसके बगैर हज उमरा मुकम्मल नहीं होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उसके बगैर उमरा हो ही नहीं सकता, उसके बगैर हज हो ही नहीं सकता, तो इस सई को सई बैन सफा वल मरवा को अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा फला जुनाह अलैही, कि कोई उस पर गुनाह नहीं है, कोई उस पर उसको पकड़ नहीं होगी अगर वो हज उमरा के वक्त सफा और मरवा के दरमियान सई कर ले। उसकी वजह, उसकी वजह यह है कि एक तो बाद साहबा को जो है ना ये शुबहा हो गया कि कुरान मजीद में तवाफ का बयान तो बहुत ज्यादा आया है, लेकिन हज उमरा के दरमियान सई, हज उमरा में सफा और मरवा के दरमियान सई का बयान नहीं आया, सई का बयान नहीं आया कुरान, कुरान मजीद में तवाफ का बयान है। इससे पहले भी अंतहीर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुकई सुजूद, कि मेरे घर को आप पाक कर दीजिए तवाफ करने वालों के लिए और एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। तो सहाबा ने कहा तवाफ का बयान तो आता है लेकिन सई का बयान नहीं आया है सफा मरवा की। तो बाद सहाबा को शुबा हुआ कि अगर हम सफा और मरवा की सई ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उन्होंने बल्कि सई ना करने को बेहतर समझा। बहुत सारे सहाबा को ये गुमान हुआ कि सई नहीं करना चाहिए सफा और मरवा की। ये गुमान इसलिए हुआ क्योंकि जमाने जाहिलियत में मुशरिकी ने अरब ने जिस तरह से काबतुल्लाह को बुतों की गंदगी से गंदा कर दिया था, उसी तरह सफा और मरवा पर भी उन्होंने बुत नस्ब कर दिए थे। सफा पे एक बुत था और मरवा पे एक बुत था, एक का नाम ईसाफ था और एक का नाम नायला था, और ये बुत जो है वो जब सई करते थे सफा और मरवा की तो उन बुतों को चूमते थे, उनका इस्तेस्लाम करते थे। तो जो सहाबा जब इस्लाम उन्होंने कबूल किया जमाने जाहिलियत के दौर से बाहर निकल आए, तो उनको ये लगा कि ये तो मुशरिकीन का तरीका है, सफा और मरवा पे बुत रखे हुए और बुतों की गंदगी से जो है उन्होंने सफा और मरवा को गंदा किया हुआ है। तो उनको लगा अब ये सफा और मरवा पे बुत रखे हुए तो हमको अब इसका तवाफ नहीं करना चाहिए, वो तवाफ को बुरा जानने लगे। खास तौर पे जो अंसार के लोग थे ये जमाने जाहिलियत में भी सफा और मरवा की साई नहीं करते थे, वो असल में एक दूसरे बुत जो मनात एक देवी थी उसकी पूजा करते थे, और एक खास पहाड़ी पर जो है वो मनात देवी का बुत रखा हुआ था, और जब वो हज करने जाते तो वो सफा और मरवा के दरमियान सही करने के बजाय मनात बुत को तवाफ करते थे। यानी तीन वजह मैं बता रहा हूँ। पहली वजह क्या है, बाज मुसलमानों को ये लगा कि सफा मरवा की सही नहीं करना है, क्यों गुनाह मिलेगा सही करने पर, क्यों गुनाह मिलेगा, क्योंकि कुरान मजीद में सही का जिक्र नहीं आया, तवाफ का जिक्र आया। दूसरे कुछ सहाबा थे वो इसलिए तवाफ नहीं करते थे क्योंकि सफा और मरवा पर बुत रखे हुए थे, तो उनको लगा ये मुशरिकीन का तरीका है,
उन्होंने सफा और मरवा पे बुत रखे हैं और वो ऊंटों को चूमते हैं साई के वक्त में, तो ये मुशरिकीन का जाहिलियत का तरीका है, हमको ये नहीं अपनाना है। तीसरा ये कि खास अंसार के लोग जो है वो जमाने जाहिलियत से ही साई नहीं करते थे सफा और मरवा की। क्यों? क्योंकि वो उसकी जगह पर एक दूसरा फिर अंजाम देते थे। वो मनात जो उनकी एक देवी थी और कुरान मजीद में भी उसका जिक्र आया सूरह नजम के अंदर, तो वो साई के बजाय मनात देवी का चक्कर लगाते थे, उसका तवाफ करते थे। तो बाद सहाबा ने फिर जो है ना वो समझा कि हमको तवाफ नहीं, हमको जो है वो सफा मरवा की सही नहीं करना है। तो क्योंकि वो सफा और मरवा की सही को गुनाह समझते थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को क्लियर किया कि सफा और मरवा के दरमियान सही करना ये गुनाह का काम नहीं है। तो उनकी उनका जो मिसकंसेप्शन था, उनकी जो गलत फहमी थी, उस गलत फहमी को दूर करने के लिए कहा गया फला गुनाह अलैही अन यतवफा बिहिमा, कि अगर हज करने वाला उमरा करने वाला अगर सही ये कर ले सफा और मरवा के दरमियान तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा। क्योंकि बाज लोगों के जहन में ये बात थी कि ये गुनाह का काम हो जाएगा, उनके मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये करना गुनाह का काम नहीं है। और इसको बहुत सारी हदीसों में जो है ना वो इसका जिक्र आया है। मसलन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से उरवा इब्ने जुबैर की बहुत तफसीली हदीस मरवी है। हजरत उरवा इब्ने जुबैर कहते हैं, उरवा इब्ने जुबैर हजरत आयशा के भांजे, हजरत जुबैर इब्ने अल-अवाम के बेटे हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि कुलतु ली आयशा ज़ौजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत आयशा से कहा जो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, कि मेरा यह ख्याल है कि अगर कोई आदमी बैन सफा वल मरवा सही ना करे, तवाफ ना करे, तो उसको कुछ भी नहीं है, उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और अगर मैं उसके दरमियान तवाफ ना करूँ तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो हजरत आयशा ने जब ये बात सुनी उनसे और आदमी ज़ुबैर से, तो कहा बिक समापुलता, तुमने बहुत ही बुरी बात कही, तुम कह रहे हो कि सफा और मरवा के दरमियान सही ना करने पर कोई हर्ज नहीं है, तो तुमने बहुत बुरी बात कही। यब ना उख्ती, ऐ मेरी बहन के बेटे, यानी ऐ मेरे भांजे, तुमने बहुत बुरी बात की कि सफा और मरवा के दरमियान सही करना ना ही नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ताफ रसूलम व ताफल मुस्लिमों फकानत सुनना, अल्लाह के रसूल ने भी सफा और मरवा के दरमियान तवाफ किया है यानी सही की है, मुसलमानों ने भी सही की, फकानत सुनना, तो ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। व इन नमा काना मन अहल्ला अल्लती बि मुशल्लल, लेकिन मसला यह है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका एक बुत था मनात नाम का, देवी थी वो, तागूत उसको कहा हज़रत आयशा ने कि ये गैरुल्लाह जिसकी इबादत की जाए उसको तागिया कहा जाता है। क्योंकि बाज लोग ऐसे थे जो हज करने जाते थे तो मनात तागिया का तवाफ करते थे, अल्लती बि मुशल्लल, जो कि मुशल्लल के मकाम पर था, उसके लिए ही तलबिया करते थे और उसका ही तवाफ करते थे। वला यतूफूना बैन सफा वल मरवा, और वो लोग सफा और मरवा के दरमियान सही नहीं करते थे, ये अंसार के लोग थे। फलम्मा कानल इस्लाम, तो जब इस्लाम आ गया, सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह के नबी से इस बारे में पूछा कि हम जमाने जाहिलियत में तो सफा मरवा की सही नहीं करते थे, हम तो मनाते तागिया का के लिए तलबिया करते थे, तो अब जब इस्लाम आ गया है तो क्या हमको ये करना है, कहीं हमको ऐसा करने से गुनाह तो नहीं मिलेगा? तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह मन हज्जल बैत अव तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ्फ बिहिमा, कि अगर सफा और मरवा ये अल्लाह के शायर में से हैं तो जो हज बैतुल्लाह करना चाहो या उमरा करना चाहे उसको गुनाह नहीं मिलेगा अगर वो इनका तवाफ कर ले। वलो कानत कमा तकूल लकानत फला जुनाह अलैहि अल्लाह यतवफ्फ बिहिमा। अभी देखिए हज़रत आयशा की फकाहत, हज़रत आयशा फरमाती कि अगर मामला ये होता कि उनके तवाफ ना करने पर कोई हज नहीं है तो अल्लाह ताला ये नहीं फरमाते फला जुनाह अलैहि अन यतवफ्फ बिहिमा, अल्लाह फरमाते लका फला जुनाह अलैहि अल्लाह यतवफ्फ बिहिमा, कि अगर इन दोनों का तवाफ ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ने थोड़ी फरमाया कि इन दोनों का तवाफ ना करे तो कोई गुनाह नहीं, अल्लाह ने फरमाया इन दोनों का तवाफ कर ले तो कोई गुनाह नहीं। कह रहे हैं कि अगर मामला यूं होता कि तवाफ ना करने पर कोई हज नहीं है और बगैर तवाफ के भी हज उमरा हो जाता तो अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि उन पर कोई गुनाह नहीं अगर वो तवाफ कर ले, है ना? आयत में क्या कहा गया, अगर वो तवाफ करें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह ताला ये कहता फला जुनाह अलैहि अल्लाह यतवफ्फ बिहिमा, कि उन पर कोई गुनाह नहीं अगर वो तवाफ ना करे, पर अल्लाह ने नहीं फरमाया कि अगर तवाफ नहीं करेगा तो गुनाह नहीं मिलेगा, अल्लाह ने फरमाया तवाफ करेगा तो गुनाह नहीं मिलेगा। तो इज़्ज़त आयशा ने ये बात समझाई और जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजिब करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, हज़रत हबीबा बिन अबू तज़्ज़िया ये रिवायत करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा और मरवा के दरमियान तवाफ कर रहे थे और लोग भी आपके आगे पीछे थे, आप तेजी से अपने कदम चलाते थे, और वो फरमाती हैं कि वो अल्लाह के नबी इतना तेज दौड़ रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों घुटनों को वो देख रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैबन दोनों घुटनों के दरमियान घूम रहा था और आप फरमा रहे थे इसअउ फइन्नल्लाह कतब अलैकुम अस्सई, सई करो यानी सफा और मरवा के दरमियान सई करो, फइन्नल्लाह कतब अलैकुम अस्सई, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सई तुम पर वाजिब कर दी है।
حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروہ, اللہ رب العالمین ایسے شخص کا نہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے. اگر کوئی صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے تو اس کا حج عمرہ اللہ رب العالمین کے یہاں پہ قبول نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی. تو بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ صرف مباح نہیں ہے بلکہ واجب ہے, نہ صرف واجب ہے بلکہ یہ رکن ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے اپنی سورہ بقرہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ سعی جو صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے اس کے حکم کے بارے میں علماء کی تین اقوال ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں علماء کی تین اقوال ہیں. کچھ علماء ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے, نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ وہ رکن ہے. رکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسینشل پارٹ ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رکن نہیں ہے بلکہ صرف واجب ہے. واجب کا مطلب اس کو گناہ ملے گا, اس کے بدلے میں اس کو دم دینا پڑے گا. اور تیسرا یہ ہے لیکن اس کا حج ہو جائے گا, اگر صحیح نہیں کیا تو بھی حج ہو جائے گا اور عمرہ بھی ہو جائے گا. اور تیسرا قول جو کہ بہت ضعیف قول ہے وہ یہ بھی ہے کہ سنت ہے, صرف واجب نہیں بلکہ صرف سنت ہے. اور ان تینوں اقوال میں جب ہم دلائل دیکھتے ہیں تو دلائل سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ واجب ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا, واجب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رکن بھی ہے. رکن مطلب اسینشل پارٹ ہے, اگر وہ عمل آپ کا چھوٹ گیا تو آپ کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث جو ابھی گزری ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے انسان کا نہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے. تو صحیح بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے, اور واجب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دین کا رکن بھی ہے, اس کے بغیر نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا. بہرحال تو فرمایا فمن حج البیت او اعتمر, جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا اگر وہ طواف کر لے. ومن تطوع خیرا, اور جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا یعنی جو والنٹری نیکی کا کام کرے گا, تطوع اصل میں کہتے ہیں اطاعت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا. تو تطوع جو ہے وہ ہمارے عام طور پہ جب ہم اصول فقہ کی اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو تطوع کا لفظ یہ مستحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے واجب اور ایک چیز ہوتی ہے مستحب. واجب کہتے ہیں ایسے عمل کو جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور اس کو کمپلسری کر دیا ہو, جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہو چھوڑنے پر گناہ ملتا ہو, تو ایسی چیزوں کو واجب کہا جاتا ہے. اور تطوع یا مستحب ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم تو دیا لیکن کمپلسری نہیں کیا ہے, کر لو گے تو ثواب ملے گا چھوڑ دو گے تو گناہ نہیں ملے گا. تو تطوع فقہی اصطلاح میں مستحب کو کہا جاتا ہے, باقی شرعی اصطلاح میں ہر وہ کام جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے اس کو تطوع کہا جاتا ہے. فرمایا ومن تطوع خیرا, جو بھی نیکی کا کام کرے بھلائی کا کام کرے اپنی طرف سے والنٹری نیکی کا کام کرے, اللہ نے اس پر کمپلسری نہیں کیا تھا پھر بھی وہ آگے بڑھ کر کے نیکی کا کام کر رہا ہے, یہ بھی مانا ہو سکتا ہے, اور اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرے اطاعت کا کام کرے, فإن اللہ شاکر علیم, تو اللہ تعالیٰ شاکر ہے اور علیم ہے. یعنی نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قدردان ہے. شاکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپریشیٹیو, قدردان, نیکیوں کو نیکیوں کی قدر کرنے والا, نیکیوں کا بہترین بدلہ دینے والا. علیم, اور اللہ تعالیٰ علیم ہے, علم والا ہے. یہاں پہ ہم کو پتہ چلا کہ بندہ جو ہے وہ یہ شکر کا لفظ جو ہے نا وہ بندے کے لیے بھی آتا ہے اور شکر کا لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے. اللہ بھی شکر کرنے والا ہے اور بندہ بھی شکر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کا شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو, اللہ رب العالمین کی تعریف کرے ثنا کرے نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں, یہ بندے کا شکر ہے. اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی خوب بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا قدردان ہے, نیکی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ان کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. اس سے ہم کو پتا چلا اللہ تعالیٰ کے دو نام بھی ہیں, ایک نام شاکر ہے اور ایک نام علیم ہے. شاکر مطلب قدردان, خوب نیکیوں کا, یعنی اللہ رب العالمین شاکر ہے نا, اس حیثیت سے شاکر ہے کہ بندہ, آپ دیکھیے بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, ایک نیکی پر کم سے کم اللہ تعالیٰ 10 اجر دیتا ہے. زیادہ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, زیادہ کتنا دے دے اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. زیادہ تو یہ ہے کہ بندہ توبہ کر لے, بعض مرتبہ اس کی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اتنا قدردان نیکیوں کا اور کون ہوگا. ایک عورت جو زندگی اس کی فحاشی میں گزری, ایک کتے کو پانی پلانے کی اس کو جنت میں ڈال دیا, ایک جو ہے وہ بندہ جس نے زندگی بھر گناہ کیے صرف عذاب سے آخری ٹائم پہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو میری لاش جلا دینا اور میری راکھ ہوا اور پہاڑوں میں بہا دینا, پانی میں بہا دینا. اس کے ڈر کو, ڈر میں اس نے جو گناہ کا کام کیا, یعنی اپنی لاش جلوانا گناہ کا کام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈر کی وجہ سے, جو اس کا انٹینشن تھا وہ اللہ سے خوف کا تھا, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اس پر کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دی. تو نیکیوں کی قدر کرنے والا اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے.
छोटी छोटी नेकियों पर अल्लाह ताला का बड़ा अजर रखा हुआ है। छोटी छोटी नेकियां आप देखते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी मेरा एक मजमून है, मेरे ख्याल से मैंने रमजान में कभी इस पर दर्ज दिया था कि आसान नेकियां, उसमें मैंने बहुत सारी नेकियां लोगों के सामने रखी थी कि कुछ नेकियां हैं बहुत छोटी सी नेकी है लेकिन उसका सवाब बहुत बड़ा है। तो अल्लाह शाकिर का मतलब ये होता है कि कदर वैल्यू करने वाला, चीजों को नेकियों को वैल्यू देने वाला, नेकियों पर खूब खूब अजर देने वाला। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि छोटा छोटा कलमा जबान से निकालने पर अल्लाह ताला इतना ज्यादा अजर देता है, छोटी सी नेकी पर अल्लाह ताला इतना अजर देता है, दिल की नेकियों पर अल्लाह ताला अजर देता है। तो अल्लाह ताला शाकिर है, इससे हमको ये पता चला अल्लाह के नामों में से एक नाम शाकिर भी है और एक नाम अलीम भी है, इल्म वाला भी है। अच्छा, मैंने इससे पहले भी कई मतलब आपको कहा कि अल्लाह ताला के नाम जो आते हैं, अल्लाह ताला के जो नाम आते हैं आयतों के आखिर में, उन नामों का आयत के मजमून से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जो नाम आते हैं उन नामों का आयत के मजमून से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमाया, जो भी बंदा नेकी का काम करेगा तो अल्लाह ताला शाकिर और अलीम है। मतलब क्या है, नेकी का काम जब करो और जहन में ये बात हो, आप किसी के लिए कोई भलाई का काम कर रहे हैं लेकिन अगर ये आपको पता ही ना हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ पता नहीं सामने वाले को पता हुई है कि नहीं पता है, तो आपके काम में इखलास नहीं पैदा होगा, आप दिल नहीं लगेगा काम के अंदर, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। या अगर उसके लिए कोई काम कर रहे हो और ये हो कि भाई ये तो ये कोई नाशुक्र आदमी है, इसके लिए कितनी भी अच्छाइयां करो ये कभी उसका बदला नहीं देगा, कभी वो उसकी वैल्यू नहीं देगा आपकी एहसान को, तो आप फिर आपका जो लेवल होता है ना इखलास का, वो लो हो जाता है, फिर वो दिल नहीं लगता उतना काम में। पर जब आप अल्लाह के लिए कोई नेकी करते हैं तो दो चीजें याद रखें, एक तो अल्लाह ताला अलीम है, आप जो भी कर रहे हैं ढके छुपे दिल के अंदर है, जबान से कोई बात कर रहे हैं, हाथ से कोई अमल कर रहे हैं, अल्लाह अलीम है, अल्लाह हर नेकी आपकी देख रहे हैं। कोई नेकी ऐसी नहीं हो सकती जो अल्लाह ताला के इल्म में नहीं। आप रात की तन्हाइयों में उठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। आपने चुपके से किसी गरीब के अकाउंट में चार पैसे ट्रांसफर कर दिए, अल्लाह ताला देख रहा है, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। आपने किसी फकीर की मदद कर दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। आपने मस्जिद में कोई पैसा डाल दिया, अल्लाह ताला जानता है। जब नेकी के बारे में हमको ये पता हो कि अल्लाह ताला जानता है, तो नेकी करने के लिए हमारे पास एक सबब बढ़ जाता है, हमारा इखलास बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला इग्नोर कर रहा है, अल्लाह नहीं जानता है, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। और न सिर्फ ही कि अल्लाह जानता है बल्कि अल्लाह शाकिर है, आपकी नेकी पर आपको बदला भी देने वाला है, और बदला भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बदला। यानी आप अंदाजा लगाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्र और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदरदानी का। हदीस के अंदर आता है कि बंदा एक खजूर अल्लाह के रास्ते में देता है तो अल्लाह उसको दाएं हाथ से कबूल करता है। अल्लाह कोई चीज़ कबूल कर ले, यही बंदे के लिए बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का कि मैं कुछ करूं अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर ले उसको, यही बहुत बड़ी बात है। पर हदीस के अंदर आता है अल्लाह दाएं हाथ से कबूल कर रहा है, सिर्फ कबूल नहीं करता, अल्लाह ताला उसको पालता है। जैसे तुम में से कोई आदमी घोड़े के बच्चे को पालता है, घोड़े का बच्चा छोटा सा प्यारा सा, कभी आपने देखा होगा तस्वीर में, छोटा सा प्यारा सा नाजुक सा होता है, तो जैसे तुम घोड़े के बच्चे को पालते हो, अल्लाह ताला एक खजूर जो तुमने अल्लाह के रास्ते में दिया था अल्लाह ताला उसको पालता है, और पाल करके इतना बड़ा करता है अल्लाह ताला उसको कि कयामत के दिन जब बंदा जाएगा और देखेगा अपने आमाल, छोटा सा खजूर जो उसने इखलास के साथ अल्लाह के लिए दिया था वो एक बहुत पहाड़ के बराबर बन जाएगा। छोटा सा खजूर बहुत पहाड़ के बराबर बन जाएगा, इतना अजर अल्लाह ताला देता है। एक खजूर पर आप सोचिए इतना अजर है, एक खजूर अल्लाह के रास्ते में सदका करने पर इतना अजर है, और नेकियों का आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना अजर होगा अल्लाह ताला के यहाँ पर। तो जब आपको पता चलता है ना कि अल्लाह ताला को जो देते हैं वो खत्म नहीं होता, पहले तो अल्लाह एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उतना ही नहीं रहता बल्कि अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है, तो आपके आपका जो इखलास है ना वो बढ़ जाता है। आपकी नेकियों का करने की बहुत बड़ी वजह आपको मिल जाती है जब आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतरीन बदला देने वाला, अल्लाह शाकिर है, बेहतरीन बदला देने वाला है अल्लाह। और जब ये अल्लाह ताला की शाकिर होने का हर नाम का ना, तो ये बहुत मैं चाहता हूँ, बहुत दिनों से मेरा ख्याल है कि मैं अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना की शरह करूँ, क्योंकि उसका बड़ा गहरा ताल्लुक हमारे अमल से होता है। जब हम अल्लाह ताला का कोई नाम सीखते हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है, अल्लाह की मारिफत हमारे कैरेक्टर में बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है, हमारे मामलात पर, हमारे किरदार पर बहुत असरअंदाज होती है। इसलिए उलमा जब भी कोई नाम जिक्र करते हैं ना, उस नाम के साथ उस नाम का असर क्या होता है हमारी किरदार पर, हमारे अखलाक पर, हमारे मामलात पर, वो भी जिक्र करते हैं। तो बंदा जब ये देख लेता है ना कि अल्लाह ताला शाकिर है, तो उसका हर मामला जो है ना वो एक बहुत बड़ी वजह से मिल जाती है। हम बहुत सारे मामलात में भी ना हमारे अखलाक अच्छे हो जाते हैं। अगर आप मान लीजिए अपने शौहर की आप खिदमत करती हैं, खातून हैं आप अपने शौहर की खिदमत करती हैं, अगर खिदमत करते हुए आप ये सोचें कि मेरे शौहर अगर मेरे साथ अच्छा सुलूक करेंगे तो मैं खिदमत करूंगी, और शौहर का सुलूक अच्छा नहीं है आपके साथ में, तो आपकी खिदमत का जो जज्बा है ना वो लो हो जाता है कि भाई मैं तो इतना अपने शौहर की खिदमत कर रही हूँ पर शौहर से मुझको रिटर्न में एहसान नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप शौहर की खिदमत करते हुए सोचती कि इस खिदमत का मकसद शौहर से कोई रिटर्न हासिल करना नहीं है, अल्लाह से जजा हासिल करना है, तो फिर शौहर का रवैया कैसा भी हो आपके इखलास और जज्बे में कमी नहीं आती। आप जब रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और रिश्तेदार आपकी बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे आपकी गिबत कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं,
अगर आप रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कर रही हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपका हौसला पस्त हो जाएगा, आपका जज्बा नीचे ढल जाएगा। लेकिन जब आप ये सोचें कि मैं रिश्तेदार के साथ जो मामला कर रही हूँ, उसने सलूक कर रही हूँ, इसका मकसद अल्लाह से अजर हासिल करना है, तो अल्लाह ताला थे तो अल्लाह ताला तो नाकदरा नहीं है ना, रिश्तेदार नाकदरे हो सकते हैं, अल्लाह नाकदरा नहीं है, अल्लाह बेहतरीन कदरदान है। तो आप जो रिश्तेदार के साथ हुस्ने सुलूक कर रही हैं उस पर भी आपको अजर मिलेगा, और आप जो सब्र कर रही हैं उनके हिजा पर कि मैं अच्छाई कर रही हूँ मेरे साथ बुराई कर रहे हैं, उस पर आप सब्र करती हैं उस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलेगा। हर चीज में आप दावत का काम कर रहे हैं, आप सोचें अल्लाह ताला बहुत शुक्रगुजार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत कदरदान है, तो अल्लाह ताला की कदरदान करने जब आप सोच लेते हैं ना, तो फिर आप रिस्पॉन्स नहीं देखते। आप बहुत दावत का काम कर रहे हैं, सामने से गालियां मिल रही, लोग आपके खिलाफ फितना उठा रहे हैं, या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, लेकिन जब आप सोचते हैं मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ तो आप खुश रहते हैं, है ना। जब अल्लाह के बजाय लोगों को खुश करना होता है, मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा मकसद है मेरे लाइक्स बढ़ जाएं, मेरे शेयर्स बढ़ जाएं, लोगों में मेरी मालूम बढ़ जाए, मैं मशहूर हो जाऊँ, लोग मेरी वाहवाही करें, अगर लोगों की रजा, लोगों की वाहवाही हासिल करना मकसद है और वो नहीं मिलेगी तो बंदे का जज्बा पस्त हो जाएगा, उसका हौसला टूट जाएगा, उसकी हिम्मत नीचे चली जाएगी। लेकिन जब वो ये सोचता है मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, एक आदमी को समझ में आ गया इंशाल्लाह मेरी आखिरत बन गई, दो आदमी को समझ में आ गया इंशाल्लाह मेरी आखिरत बन गई, अल्लाह ताला तो कदर करने वाला है ना, मेरी मेहनत अल्लाह देख रहा है, मेरी कोशिश अल्लाह देख रहा है, मैं कितना मुताला करके कितनी मेहनतें करके ये दावत का काम कर रही हूँ ये अल्लाह ताला देख रहा है। जब आप ये सोच लेते हैं ना कि मैं ये मेरी मेहनत अल्लाह ताला देखने वाला है, चाहे मैं खवातीन मेरी जो है वो बात सुन रही हूँ या हमारे मर्द हजरात जो हमारे भाई सुन रहे हैं, दोनों मेरे मुखातब है, कि जो भी आप दावत का काम कर रहे हैं आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि इसका मकसद लोगों में वाहवाही हासिल करना है, आप बस ये सोचें कि मैं अल्लाह ताला के लिए करता हूँ, अल्लाह ताला के लिए काम कर रही हूँ। तो जब आप ये नीयत हो जाती है ना, तो फिर आपकी मजलिस में, आपके दावती प्रोग्राम में, आपके इजलास में चार लोग आए, आप खुश रहेंगे, भाई मैंने जो मेहनत की वो तो कहीं जाया नहीं गई, दो लोग आए, एक लोग आए, एक इंसान सुनने के लिए आ गया, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक इंसान ने आया, मैं एक इंसान के सामने करूंगा, मेरी मेहनत अल्लाह ताला ने देखी है, मेरी कोशिश अल्लाह ने देखी है, मैंने कितना मुताला किया है, मैंने कितना वीडियोज इसके लिए सुने हैं, मैंने कितने जो है वो मेहनत करने के बाद एक दर्स तैयार किया है। जब आपके जहन में ये होगा कि अल्लाह ताला ये देख रहा है, अल्लाह ताला शुक्रगुजार है, अल्लाह ताला कदरदानी करने वाला है, तो आपको हौसला मिलेगा, आपका जज्बा जिंदा रहेगा। और जब लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स और लोगों की शुक्रगुजारी और लोगों की कदरदानी का आप तवक्को करेंगे, उसको उम्मीद लगा करके बैठेंगे, तो हौसला पस्त हो जाएगा। अगर वो कदरदानी आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुई, तो अगर लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ, तो आपका हौसला पस्त हो जाएगा। तो जब हमको पता चलता है ना कि अल्लाह ताला शाकिर है, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन नेकियों को बेहतरीन उसका बदला देने वाला है, तो आपके अमल में इखलास पैदा होता है, आपका जज्बा बढ़ता है, आपकी आपके हौसले बढ़ते हैं। तो इसलिए नेकी के जिक्र करने के बाद फौरन दो अल्फाज कहे, शाकिर और अलीम। अल्लाह शाकिर है, अलीम है, तुम जो भी नेकी करोगे अव्वल तो अल्लाह देख रहा है, कोई नेकी ऐसा नहीं होगा कि छुपी रह जाएगी। वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरह, जो कोई जर्रे के बराबर भी खैर का काम करेगा अल्लाह उसको भी देख रहा है, उसका भी तुमको अल्लाह ताला अजर देगा। और उसके बाद ना सिर्फ ही अल्लाह जानता है बल्कि अल्लाह ताला उसको अप्रिशिएट भी बहुत करता है, उसका कदरदान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत है। ये शाकिर, हमको ये भी पता चला अल्लाह ताला के नामों में से दो नाम है, एक नाम है शाकिर और शाकिर के साथ एक नाम शकूर भी आता है ना, शकूर और शाकिर दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यहाँ पे फरमाया फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह ताला शाकिर है। कुरान मजीद में दो जगह पर शाकिर का लफ्ज आया अल्लाह ताला के लिए, एक जगह आया है वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और दूसरी तरफ आया है वकान अल्लाह शाकिरुन अलीमा। और आप देख रहे हैं दोनों जगह पर शुक्र के साथ अलीम का लफ्ज आया है। ये भी एक ना अस्माए हुस्ना के फिक में से एक फिक है कि दो एक नाम अपने आप में तो अल्लाह के कमाल पे दलालत करता है, पर एक नाम जब दूसरे नाम से मिल जाता है तो दोनों को मिला करके एक कमालुन फौक का कमालिन, हर नाम अपने आप में कमाल पे दलालत कर रहा है, इन दोनों को मिलाने से तीसरा कमाल का माना पैदा हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी शाकिर अलीम के साथ आया है और यहाँ पर भी शाकिर अलीम के साथ आया है। अच्छा, शकूर का लफ्ज भी जो है ना कुरान मजीद में गफूर और शकूर एक साथ आया है, एक तो शाकिर आया है, शाकिर के साथ अलीम आता है और गफूर के साथ शकूर आता है। शकूर का मतलब भी होता है कदरदान, और कदरदानी और गफूर होना इन दोनों में भी बड़ी आपस में मुनासिबत है। शकूर का मतलब मैंने क्या बताया, बंदा नेकी करता है तो अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा करके देता है, और गफूर का मतलब क्या होता है, माफ करने वाला। बंदा गुनाह करता है, तौबा करता है, अल्लाह माफ फरमा देता है, गुनाह पर अल्लाह ताला बढ़ा करके अजाब नहीं देता। बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला एक ही अजाब उसको, एक ही जो है उसके लिए गुनाह लिखता है, एक गुनाह पर एक ही गुनाह लिखा जाता है, वो भी तौबा करता है तो माफ कर देता है। लेकिन जब नेकी करता है तो अल्लाह ताला क्या करता है, बढ़ा करके देता है। तो इससे अल्लाह का एक और कमाल पता चला, शकूर एक कमाल है, गफूर एक कमाल है, इन दोनों को जब साथ में मिला दिया गया तो एक तीसरे कमाल के माना पैदा हो गए। दो अस्मा को एक साथ जमा करने से एक तीसरे कमाल का माना पैदा हो जाता है। ये फिक्र अस्माए हुस्ना में से एक फिक्र ये भी है कि अल्लाह ताला गफूर है,
गुनाहों को बख्श देता है, शकूर है नेकियों में बढ़ा करके देता है। बस मरतबा ऐसा भी होता है एक आदमी कदरदान भी बहुत है लेकिन गुनाहों पर वो बंदे को माफ नहीं करता है, तो फिर तो ये जो है ना वो एक एटीट्यूड जो है वो कमाल वाला नहीं रह गया। पर यहाँ अल्लाह ताला गुनाह करे तो माफ फरमा देता है, बड़े से बड़ा गुनाह माफ फरमा देता है, और नेकी करे तो नेकी को बढ़ा करके देता है। तो इन दोनों अस्मा को मिलाने से भी क्या होता है, इन दोनों अस्मा को मिलाने से भी अल्लाह ताला का एक तीसरा कमाल पता चलता है। एक बात और याद रखें कि सफा और मरवा के दरमियान सही ये नेकी का काम तो है लेकिन ये हज उमराह का हिस्सा ही है। हज उमराह को छोड़ करके यानी अकेले में सिर्फ सफा और मरवा की सही करना ये साबित नहीं है, यानी क्योंकि जब भी सफा और मरवा की सही करेंगे तो आप कब करेंगे, या तो आपने हज किया हो या तो आपने उमरा किया हो। हज उमरा के अलावा सफा मरवा की सही अकेले सिर्फ सफा, जैसे तवाफ आप करते हैं ना अकेले एक सवाब का काम है, वैसे ही हज उमरा की सही इनफरादी तौर पे कोई नेकी नहीं है, या तो वो हज के वक्त होगी। सफा और मरवा की सही जो है वो इनफरादी तौर पे कोई नेकी का काम नहीं है, या तो आप हज करें तब सफा मरवा के दरमियान सही करें तो आपको सवाब मिलेगा, या तो उमरा करें तब मिलेगा। अलग से सफा और मरवा के दरमियान सही करना ये कोई नेकी का काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون। ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں, ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى, بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں, یکتمون جن لوگوں نے چھپایا, جو لوگ چھپاتے ہیں, بلکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے تو ترجمہ ہوگا جو لوگ چھپاتے ہیں, ما انزلنا من البينات والهدى, ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں واضح دلیلیں اور ہدایت, हमने जो हिदायत वाज़े दलीलें और हिदायत हमने नाजिल की हैं उनको छुपाते हैं, मिन बादी मा बय्यन्नाहु लिन्नास, हालांकि हमने उसको किताब खोल करके लोगों के लिए बयान कर दिया है, फिल किताबी किताब में, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह फउलाइका यलअनुहुमुल्लाइनून, ये ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह उन पर लानत करता है और लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं। जो लोग छुपाते हैं उन वाज़े निशानियों को जो अल्लाह ने नाजिल की हैं और हिदायत को, हालांकि हमने उसको किताब में लोगों के लिए खुल करके बयान कर दिया है, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है और जिन पर लानत करने वाले लानत करते हैं। यहाँ पर एक अजीम कबीरा गुनाह का जिक्र हो रहा है और वो कबीरा गुनाह क्या है, इल्म को छुपाना। अल्लाह ताला ने जो हिदायतें, जो इरशाद, जो नॉलेज दीन का अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, इंसान जानने के बाद उसको छुपा ले तो वो गुनहगार होता है। ये तुमूना कतमा का मतलब होता है छुपाना, जो खून छुपाना, लेकिन ये कतम जो है कितमान जो है वो कब होगा, यानी आपको कब है, कब आप पर वाजिब है कि आप इल्म को बयान करें उसको छुपाए नहीं, उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो उस वक्त छुपाना है जब आपसे किसी ने पूछा इल्म के किसी मसले के बारे में और आपने जानने के बावजूद उसको नहीं बताया, तो ये कितमान हो गया, यानी आपसे सवाल किया गया और आप जानते थे इस मसले का जवाब लेकिन फिर भी आपने जवाब नहीं दिया, तो ये कितमान है। दूसरा ये होता है कि कभी कभी किसी ने जबान से पूछा तो नहीं लेकिन उसको बताना जरूरी है क्योंकि वो गुमराही के रास्ते पर है और आपको पता है कि वो गुमराही के रास्ते पर है, उसको इल्म की जरूरत है, तो आपने या तो जबान से उसने इल्म आपसे तलब कर लिया है या तो हालत ऐसी है कि आप देख रहे हैं कि उसको इल्म की जरूरत है और जानने के बावजूद कि वो गलती के रास्ते पर है और उसको इल्म की जरूरत है आपने उसको इल्म नहीं दिया, तो ये दोनों सूरतों में छुपाना हो गया, कितमान इल्म हो गया। अल्लाह ने फरमाया जो लोग इल्म को छुपाते हैं, जो वाज़े बय्यिनात का मतलब होता है वाज़े निशानियां। अब बयीनात में दो तरह की बयीनातें हैं, एक तो अल्लाह ताला ने कुरान की जो आयतें नाजिल की हैं वो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जो मंसूस हैं, ये सब के सब बयीनात हैं। और हुदा का मतलब होता है हिदायत, यानी हिदायत इल्म, जो नॉलेज जिसके जरिए से बंदा अल्लाह ताला के रास्ते पर चलता है। तो जिन लोगों को कुरान की आयतें, अल्लाह के नबी की हदीसें पता हैं और ऐसा नॉलेज है जिस नॉलेज के जरिए से बंदा अल्लाह ताला के रास्ते पर चल सकता है, ये उनको पता है, पता होने के बावजूद कभी कोई पूछता है तब भी नहीं बताते, या उनको पता है कि लोगों को इसकी जरूरत है, ये इल्म लोगों में आम होना चाहिए, लोग गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं फिर भी वो उसको छुपा करके रखते हैं, मिन बादी मा बय्यन्नाहु लिन्नास, हालांकि हमने तो ये जो बयानात और जो हिदायत है ये लोगों के लिए वाज़े करके अपनी किताब में बयान कर दी है, ऐसे लोग उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन पर लानत, अल्लाह ताला उन पर लानत करता है, और यलअनुहुमुल्लाइनून, और लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं। लानत का मतलब क्या होता है, अल इबाद अनिर रहमा मा इज़लालिन व ग़ज़बिन, ये इब्न आशूर ने लानत का माना बयान किया है कि अल्लाह ताला उन पर लानत करता है, मतलब अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको दूर कर देता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको दूर कर देता है, और ये रहमत से दूर करना कैसे होता है, इज़लाल के साथ, यानी उनको जलील करके, उनसे नाराज होकर के, उनसे गुस्सा होकर के अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको दूर कर देता है, और इसका असर जो है वो दुनिया में भी जाहिर होता है, आखिरत में भी जाहिर होता है। असल तो लानत ये है कि अल्लाह ताला आखिरत में बंदी को जन्नत से महरूम कर दे, जन्नत जो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है,
अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा मजहर जन्नत है, अल्लाह ताला उसको जन्नत से दूर कर दे। और दुनिया में भी लानत ये होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने खैर से, नेमतों से, नेकियों से, रहमतों से महरूम कर देता है। तो ऐसा शख्स जो इल्म को छुपाता है, अल्लाह ताला उस पर अजाब की सूरत में क्या नाजिल करता है, लानत अपनी नाजिल करता है। और वो लानत ये होती है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको दूर कर देता है, अल्लाह ताला उससे गजबनाक होता है। وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ और लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं, यानी लानत करने वालों से क्या मुराद है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ऐसे फरिश्ते हैं जिनका काम ही लानत करना है, और वो जो है ऐसे लोगों पर लानत करते हैं जो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म को छुपा रहे हैं। या बाज़ लोगों ने कहा कि हर मखलूक उन पर लानत करती है, क्योंकि इन्होंने मखलूक का हिस्सा, मखलूक का हक जो है वो ले लिया। मखलूक का हक ये था कि मखलूक तक के हिदायत जो अल्लाह ताला ने उनके लिए नाजिल की है वो हिदायत को लोगों तक पहुंचाते, पर इन्होंने मखलूक का हक अदा नहीं किया। अल्लाह ताला की दी हुई नेमत जो हिदायत की थी, जिसका इल्म इनके पास था, और इन्होंने उस इल्म को अपने पास छुपा करके अपने घरों में बंद करके रख लिया। ऐसे वक्त में जब लोगों को उस इल्म की जरूरत थी, उस इल्म को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया, तो ये अल्लाह के यहाँ भी मलऊन है। और ये सारे इंसानों के यहाँ, सारी मखलूक के यहाँ मलऊन है, सारी मखलूक इन पर लानत करती है, क्योंकि इनकी वजह से मखलूक का नुकसान हो गया, सारे इंसानों का नुकसान हुआ, ताकि चरिंद परिंद और जानवर और बेजान चीजों का भी नुकसान होता है जब आप इल्म को छुपा लेते हैं। तो इल्म अल्लाह ताला ने इसलिए दुनिया में नाजिल किया था कि इल्म की रोशनी जब फैलेगी, गुमराही के अंधेरे छट जाएंगे, और अल्लाह ताला की रहमत इल्म के जरिए से आती है। तो इल्म वाले अगर इल्म को छुपा लें, लोगों के सामने जाहिर ना करें, तो दुनिया में जुल्म और सितम का अंधेरा छा जाएगा। और ये वो लोग हैं जो जुल्म और सितम को फैलाने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जिनके पास हिदायत की रोशनी थी, जिनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का रास्ते का इल्म था, पर उन्होंने अल्लाह के बंदों को ही नहीं बताया। यानी आप सोचिए, हिदायत तो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। दुनिया में अगर किसी आदमी के पास, लोग मर रहे हैं और किसी के पास दवा हो और वो ना दे, किसी के पास इलाज हो और वो ना करे, तो आपकी नज़र में कितना बड़ा मलऊन होगा। मान लीजिए कि आप बीमारी से तड़प रहे हैं, बुखार से आपकी हालत ख़राब है, आप किसी सफर में, सामने वाले के पास बुखार की टैबलेट रखी हुई है, और आप उससे वो टैबलेट तलब कर लें, और वो सामने वाला बगैर किसी सबब के, ऐसा नहीं कि उसको ज़रूरत है, इल्म ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर वो बांट देगा तो उसका इल्म ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई नुकसान होगा, बगैर किसी सबब के वो एक छोटी सी टैबलेट आपको देने के लिए तैयार नहीं, आपकी नज़र में वो कितना मबूस होगा। ऐसा शख्स कितना बड़ा जालिम है कि आपकी, आपके बुखार है और उसके पास एक टैबलेट है और वो आपको नहीं देगा। यहाँ तो मसला यह है कि लोग जहन्नम में जा रहे हैं, और एक शख्स उसके पास ऐसा इल्म है जिस इल्म के जरिए से वो लोगों को जहन्नम से बचा सकता है, लेकिन उसको अपने ज़िंदगी के कारोबार से ही फुर्सत नहीं है, उसने इल्म को छुपा करके रख लिया है। वो अपनी दुनियावी सरगर्मियों में ऐसा मसरूफ़ है कि अल्लाह ताला का इल्म बावजूद इसके कि वाफिर मकदार में उसके पास मौजूद है, वो लोगों को जहन्नम में जाने से बचा सकता है अपने इल्म की वजह से, लेकिन वो नहीं बचा रहा, उसको लोगों पर रहम नहीं आ रहा, वो लोगों की गुमराहियों पे तड़प नहीं रहा, उसके दिल में कोई दर्द नहीं है लोगों के लिए। ऐसा शख्स अल्लाह के भी लानत का मुस्तहिक है, और लानत करने वालों की लानत का भी मुस्तहिक है। मेरे दांत में अगर दर्द हो, मेरे जिस्म में अगर तकलीफ हो, और किसी शख्स के पास उसका इलाज हो जो वो बगैर किसी मशक्कत के कर सकता हो, लेकिन इसके बावजूद उस इलाज में वो कोताही बरत रहा है और वो उस मुझ पर रहम नहीं खा रहा, तो मेरे नज़दीक वो मकबूज हो जाएगा। तो हिदायत तो एक ऐसी चीज़ है जिससे बंदा जहन्नम से बच सकता है, जन्नत का रास्ता एक आदमी को पता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा मसरूफ है कि लोगों को जहन्नम में जाता हुआ देख रहा है, उनको जन्नत का रास्ता नहीं बता रहा। ये है छुपाने वाले लोग। इन आयतों का सबसे पहला इतलाक़ तो यहूद नसारा पर होता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छे से पहचानते थे। पिछली आयतों में ये बात गुजरी कि यहूद नसारा अल्लाह के रसूल को वैसे पहचानते थे जैसे वो अपने बच्चों को पहचानते हैं, बावजूद इसके कि उनको पता है कि यही वो रसूल है जिसको अल्लाह ने आसमान से भेजा ही है हिदायत दे करके लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए, पर ये क्या कर रहे हैं, अपनी किताबों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात है उनको छुपा करके रखा हुआ है। ये जानने के बावजूद कि ये रसूल, इसकी इत्तबाही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम से आज़ादी रखी है लोगों को गुमराह करने, और वो इल्म जो उनके पास उनकी किताबों से, इसलिए अल किताब का जो लफ्ज़ आया है यहाँ पे सिर्फ कुरान नहीं मुराद है, बल्कि वो सारी बातें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुरानी किताबों में भी रखी थी अल्लाह के नबी के बरहक होने के बारे में, वो बातें भी इनको पता है, अपनी किताबों का इल्म इनके पास है, और इन किताबों के जरिए से भी वो जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके बावजूद ये यहूद नसारा छुपा रहे हैं, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के रसूल की सिफात बयान नहीं कर रहे, अल्लाह के रसूल की निशानियां बयान नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा जुर्म था, इस इनके उलमा के जुर्म की वजह से इनकी आवाम जहन्नम में चली गई। यानी यहूद नसारा की जो आवाम थी वो तो बहुत बड़ी तादाद में थी, उलमा जो थे उनकी वो बहुत कम थे। उलमा हकीकत में जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अगर वो चाहते वो बुग्ज़ और तासुब का शिकार नहीं होते तो इतनी बड़ी तादाद में जो उनकी कौम जहन्नम में गई उनको बचा सकते थे जहन्नम से। किताब का जो इल्म उनके पास था उसको जाहिर करके वो अपनी कौम को रसूल की मुखालफत करने से रोक सकते थे, रसूल से जंग करने से रोक सकते थे, लेकिन बावजूद बावजूद उनके पास तौरात इंजील का इल्म था, और जिस इल्म के जरिए से उन्होंने अल्लाह के रसूल को पहचान लिया था और बहुत अच्छे से पहचान लिया था, इनके उलमा ने उन किताबों को, उस किताब में बयान की गई निशानियों को और हिदायत को अपनी आवाम से छुपा लिया। अब सोचिए कितना बड़ा जुर्म उन्होंने किया,
कितना बड़ा जुल्म किया अपनी कौम के साथ में, कि बावजूद इसके कि आखिरी रसूल को उन्होंने पहचान लिया, वो रसूल जिसके आने की तमन्ना ये सालों से कर रहे थे, जिसके आने के लिए दुआएं मांग रहे थे, जिस रसूल की इत्तबा के लिए मुश्ताक थे और जिनका वादा उनकी किताबों में लिखा हुआ था और जिन वादों को पढ़ करके वो अंसार को सुनाते थे कि हमारा एक रसूल आने वाला है, जब वो आ जाएगा यस्तफ्तहून अला लदीना कफरू तो हम तुम पर फतेह पा लेंगे। वो रसूल आ गया, इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, पहचान लिया, इसके बावजूद उसके हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि अपनी आवाम को उनके खिलाफ कर दिया। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये तो उमूमी बात है, यानी एक तो खसूसी बात यहूद नसारा के लिए, उमूमी तौर पर इस उम्मत के भी वो उलमा जो इल्म होने के बावजूद अपने मफादात की वजह से अल्लाह ताला के दीन के इल्म को हिदायत को छुपा लेते हैं, वो भी इस आयत के मुस्तहिक हैं, इसमें बयान की गई वईद के मुस्तहिक हैं। वो उलमा बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कुरान सुन्नत को पढ़ते हैं, वो जानते हैं, कब्र परस्त लोग हैं, उनको पता है कि कब्र परस्ती हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, वो अरबी पढ़ते हैं, वो शरीयत के उसूलों से वाकिफ है, उनको पता है कि कब्र परस्ती दीन में मना है, वली परस्ती दीन में मना है और कब्र परस्त और वली परस्त मुशरिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद करके रखे, पर क्योंकि इसी कब्र परस्ती से उनका घर चलता है, उनका पेट पलता है, उनके बच्चे पलते हैं, उनके दुनियावी मफादात इससे वाबस्ता है, तो वो अपनी जबान पर कलमे हक लाते हुए डरते हैं कि हमारे मफादात खत्म हो जाएंगे, बल्कि अपनी अवाम को गुमराह करके रखा है। ये भी कितमान इल्म है, ये भी इल्म को छुपाना है कि एक हिदायत जिसके जरिए से लोगों को आप जहन्नम से जाने से बचा सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि सामने वाला शिर्क कर रहा है, कुरान मजीद में एक एक आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिखी हुई है जिसमें शिर्क से मना किया गया, गैरुल्लाह को पुकारने से मना किया गया, पर ये अपने मफादात की वजह से वो इल्म छुपा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत के मुस्तहिक लोग हैं, ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि आपके, बल्कि उल्टा ये रसूल के मुखालिफ हो गए, उल्टा ये कुरान के मुखालिफ हो गए, बल्कि इस इल्म को छुपा ही नहीं रहे बल्कि इस इल्म से लोगों को बदजन करते हैं। आपको ऐसे भी उलमा मिलेंगे जो बाकायदा लोगों को कुरान और सुन्नत से बदजन करते हैं। एक साहब जो है वो कहते हैं कि 17 जब तक के उलूम हासिल ना हो जाए आपके पास तब तक कुरान आपके समझ में आने वाला नहीं, या कुरान इतनी मुश्किल किताब है, आप इतने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया आप कुरान मजीद की तफसीर के क्लास में शामिल हो रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कुरान मजीद को समझने के लिए, जो उसके बेसिक पैगाम है उसको समझने के लिए 17-17, 18-18 उलूम की जरूरत है। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद एक आम इंसान के लिए भी नाजिल किया है, कुरान जैसे उलमा के लिए हिदायत है वैसे अवाम के लिए भी हिदायत है, तो कुरान मजीद को जो उसका बेसिक पैगाम है उसको समझने के लिए हजारों उलूम की जरूरत नहीं, हाँ उसकी तफसीर करने के लिए, उसके फिकही अहकाम को मालूम करने के लिए, उसमें जो डीप नॉलेज है उसको मालूम करने के लिए बिलाशुबा कई उलूम की जरूरत है, पर कुरान का जो इसेंशियल पैगाम है, जो बेसिक पैगाम है, जो उसका बुनियादी पैगाम है, उसको समझना हर इंसान के लिए मुमकिन है, चाहे वो किसी खेती में खेती करने वाला इंसान हो, या कोई रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर हो, या कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर सतह के मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हिदायत रखी है। पर उन उलमाए सू को देखिए जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी आवाम को कुरान की नेमत से महरूम करके रखा हुआ है, डरा दिया है कुरान पढ़ने से, और लोगों को ये समझाते हैं कि अगर तुमने कुरान पढ़ लिया तुम गुमराह हो जाओगे। एक साहब हैं वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि हदीसें आग हैं, अगर उनको तुमको पढ़ना नहीं आएगा तुम जल जाओगे। हदीस से दूर करते हैं, कुरान से दूर करते हैं, अपने इमामों की तरफ बुलाते हैं, अपने उलमा की तरफ बुलाते हैं, अपने मसलक की तरफ बुलाते हैं, कुरान और सुन्नत से बदजन करते हैं, कुरान और सुन्नत के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आदमी कुरान सुन्नत को पढ़ते हुए डरे अपने फजाइल की किताब। एक साहब मुझको बचपन में जब मैं तालिबे इल्मे के दौर में था तो मुझे एक किसी आलिम के पास लेकर के गए जो अहले हदीस नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप फजाइल कुरान पढ़िए, यानी वो जो एक फजाइल अमल में से फजाइल कुरान आप पढ़िए, उन्होंने चाहा कि मुझे हिदायत मिल जाए तो आप फजाइल कुरान पढ़िए। मैंने कहा अजीब सी बात है, आप फजाइल कुरान पढ़ने की तलकीन करते हैं, कुरान पढ़ने की तलकीन नहीं करते, फजाइल कुरान आप खूब पढ़ रहे हैं पर कुरान पढ़ने की तलकीन नहीं करते, कि कुरान पढ़िए, कुरान की तफसीर पढ़िए, कुरान का तर्जमा पढ़िए। तो कुरान जो है ना एक बहुत बड़ी तादाद में हमारी उम्मत के उलमा ने पूरी प्लानिंग के साथ इस उम्मत के बहुत सारे लोगों को कुरान से दूर कर दिया है। ये मुजरिम है अल्लाह ताला के नज़दीक, इन्होंने कुरान का इल्म लोगों से छुपा लिया है, वरना कुरान में अल्लाह ने फरमाया बयन्नाहु लिन्नास, हमने हर चीज किताब के अंदर बयान कर दी है, इसमें हिदायत है, इसमें नॉलेज है। बंदा अगर खुलूस दिल के साथ कुरान मजीद पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको हिदायत ना मिले। अगर किसी को हिदायत कुरान पढ़ करके नहीं मिल रही तो उसकी वजह यह है कि उसके दिल में इखलास नहीं है, उसने अपनी गुमराहियों को मजबूत करने के लिए कुरान पढ़ा तो फिर अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देगा। कोई इखलास के साथ कुरान पढ़ेगा तो ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। वल्लदी नजाहदु फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करेंगे हम उनको जरूर बजरूर हिदायत देंगे। तो कुरान मजीद जो है वो हिदायत की किताब है हमारी उम्मत, यानी ये जो जुर्म यहूद और नसारा ने किया अपनी कौम के लोगों से हक छुपाने का, अल्लाह ने फरमाया कि जिस रास्ते पर यहूद और नसारा चले तुम भी उस रास्ते पर चलोगे। और बिलाशुबा हमारी उम्मत में ऐसे उलमाए सू हैं, ऐसे बुरे उलमा हैं जिन्होंने कुरान से बाकायदा प्लानिंग करके लोगों को दूर किया हुआ है।
हत्ता कि मैं ऐसी मस्जिदों को भी जानता हूँ जहाँ कुछ किताबें इंसानों की लिखी हुई वो पढ़ाई जाती थी, उनका दर्स होता था, तो कोई इमाम साहब आए, जरा सा नीयत उनकी अच्छी थी, तो उन्होंने कुरान की तफसीर शुरू कर दी, उनको मस्जिद से निकाल दिया गया कि आपने हमारी वो फजाइल की किताबें पढ़ाई जा रही थी और आपने वो फजाइल की किताबें छोड़कर के कुरान की दर्स क्यों शुरू कर दिया। यानी फजाइल की किताबें, इंसानों की लिखी हुई किताबें छोड़ करके अल्लाह की किताब जब पढ़ी जाने लगी और उसकी तफसीर होने लगी तो इमाम साहब को मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। आप सोचिए कि कितनी प्लानिंग के साथ बाकायदा उम्मत को कुरान से दूर किया गया। जिन गुमराहियों के मज़ाहिर हम सड़कों पर देखते हैं, जो बिदतें हम होती हुई देख रहे हैं, दीन को जो बदनाम करने के लिए आमाल हो रहे हैं, उनकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो इतना बड़ा मुसलमान उम्मत का तबका है वो कुरान से दूर है। उसको कुछ नहीं पता कि मज़ारों पर भीड़ लगाने वाले, ये वलियों के सामने सजदा करने वाले, ये गैरुल्लाह से फरियादे करने वाले, ये जुलूस और जलसों में नारे लगाने वाले और डीजे पर डांस करने वाले, ये कौन लोग हैं? ये दीन के नाम पे जो खुराफात कर रही कौन लोग हैं? इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, इनको दूर कर दिया है कुरान से। और कुरान क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इनके उलमाए सू ने बाकायदा साजिश करके इनको कुरान से दूर किया है और इल्म को छुपा लिया है, इल्म को अपने सीनों में, अपने दिमाग में छुपा लिया, उस इल्म को लोगों के सामने आने नहीं दे रहे। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला उस हदीस के रावी हैं, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मनसू इलानी फकतमहु अलजमहुल्लाहु बिलजाम मिन नार यौमिल क़ियामा, कि जिसको किसी इल्म के बारे में उससे सवाल किया गया और उसने उस इल्म को छुपा लिया, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम की लगाम पहनाएगा। जहन्नम की खास लगाम है वो, क़यामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इसलिए अगर किसी के पास इल्म है और वो उस इल्म को पहुंचाने का अहल है तो उसको उसके पहुंचाने में कोताही नहीं करनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा इसलिए कहा करते थे, उनकी एक हदीस है सही बुखारी में, हदीस मरवी है, वो कहते थे कि लौला आयतानि फी किताबिल्लाह मा हद्दस्तु हदीसन, अगर कुरान की दो आयतें नहीं होती तो मैं कोई हदीस बयान नहीं करता। लोग कहते हैं इन अबू हुरैरा तो बहुत हदीसें बयान करते हैं, वो कहते हैं मैं कोई अपनी ख्वाहिश से अपनी हदीसें बयान नहीं करता, दो आयतें मैं पढ़ता हूँ तो मैं मजबूर हो जाता हूँ हदीसें बयान करने के लिए। और वो दो आयतें कौन सी हैं? यही दो आयतें, इन अल्लज़ीन यक्तुमूना मा अनज़ल्ला मिनल बय्यिनाति वल हुदा, यहाँ से जो दूसरी आयत इस तफसीर के अभी आगे आएगी, वो कहते हैं ये दो आयतें अगर नहीं होती जिसमें अल्लाह ताला ने इल्म छुपाने वालों के लिए वईदें नाजिल की हैं और इल्म बताने वालों को खुशखबरी दी है, अगर ये दो आयतें नहीं होती तो मैं कोई हदीस बयान नहीं करता, मुझे शौक नहीं हदीसें बयान करने का, मुझे डर है कि अगर मैं हदीसें बयान नहीं करूंगा तो ये जो वईदें इस आयत के अंदर बयान की गई हैं मैं उनका मिज़दाक़ हो जाऊंगा और ये अज़ाब मुझको भी झेलना पड़ेगा। तो ये हदीस हमको भी समझना चाहिए। देखिए इल्म छुपाने वाले ना दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं ना कि जिनके पास इल्म जो है वो है और वो इंटेंशनली छुपाते हैं, और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात ऐसी बढ़ाई हुई हैं और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि अल्लाह ने उनको इल्म दिया है, हिदायत का इल्म, और वो अपने इर्द गिर्द लोगों को गुमराह होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनको दुनिया लोगों की गुमराही से कुछ लेना देना नहीं है, लापरवाह है। यानी कुछ लोग तो इंटेंशनली लोगों से इल्म छुपाते हैं और कुछ लोग कौन है जो लापरवाह है, उनके पास हिदायत का इल्म है, अल्लाह ताला ने उनको कुरान और सुन्नत का इल्म दिया है, पर वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मादी मसरूफियात में ऐसे मगन हैं कि उनको लोगों की गुमराही से कुछ लेना देना नहीं, उनको तकलीफ ही नहीं हो रही, उनको परेशानी नहीं हो रही, वो अपनी दुनिया में मसरूफ है, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। ये भी इल्म छुपाने वाले लोग आपके इर्द गिर्द, मैंने इसलिए कहा ना कि एक इल्म छुपाना तो ये होता है कि कोई आपसे सवाल करे और आप ना बताएं, और एक इल्म छुपाना ये कि आपको पता है कि लोगों को इल्म की ज़रूरत है, लोगों को इल्म की हाजत है, आप अपनी आंखों से लोगों को गुमराह होते हुए देख रहे हैं, लोगों ने आपसे आगे पूछा नहीं लेकिन आप तो उनको जहन्नम से जाने से बचा सकते थे, पर आपको परवाह नहीं कि ये मेरा मैटर नहीं है, जो जहन्नम में जा रहा है जाए, जो जन्नत में जा रहा है जाए, मैं तो अपनी दुनिया बनाने में मसरूफ हूँ। तो ये भी इल्म छुपाना है। बड़ी तादाद हमारे लोगों में ऐसे ही लोगों की जिनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म है, भाई इतना बेसिक इल्म तौहीद का तो आपके पास है ना, तो फिर आपके पास तौहीद का इल्म है और आप अपनी दुनिया में मसरूफ रहे तो आप तो अल्लाह के नबी की उम्मत ही नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लम की तड़प और अल्लाह के नबी का दर्द तो ये था कि अल्लाह तआला को बार बार तसल्ली देनी पड़ती थी, अल्लाह के रसूल आपकी तड़प और दर्द और आपका गम और फिक्र और टेंशन लोगों की हिदायत को लेकर इतना है कि ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हलाक कर देंगे अगर लोग ईमान नहीं लेकर हैं। हम नबी की उम्मती होकर के अपने इर्द गिर्द बिदअतें देख रहे हैं, खुराफात देख रहे हैं, कुफ्र देख रहे हैं, शिर्क देख रहे हैं, ऐसे अमाल देख रहे हैं जिससे हमारा दीन बदनाम हो रहा है, और हमको पता है कि गलत रास्ता है, हमारे पास इस्तेदात है कि हम जाकर के लोगों को समझा सकते हैं, पर हम सोचते हैं दूसरों का मामला है, मैं क्यों टांग अड़ाऊं, मेरे पास जो इल्म है मैं अपना दीन पर अमल कर रहा हूँ काफी मेरे लिए नहीं। लोग नमाजें छोड़ रहे हैं, आपके पास इल्म है, आप उस इल्म के जरिए से लोगों को नमाज की तरफ दावत दे सकते हैं। लोग बद अखलाक हैं, आपके पास इल्म है, उससे आप लोगों के अखलाक संवार सकते हैं। लोग जो है वो गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं, आपके पास इल्म है जिससे आप लोगों को जन्नत का रास्ता दिखा सकते हैं, पर आप अपनी दुनिया में ऐसा मसरूफ है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं तो मुझे मेरी दुनिया कमाऊँ, बाकी लोग जो जहन्नम में जाना जाए मुझे उनसे कुछ नहीं देना नहीं। ये भी इल्म छुपाना है, इल्म ये भी छुपाना है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त वईद ऐसे लोगों के लिए नाजिल की जो इल्म को छुपाते हैं। अलबत्ता
जो है वो उलमा ने कहा है कि बात सूरतें ऐसी होती हैं जब मसलहतें होती हैं और उनकी वजह से इल्म छुपाया जा सकता है। यानी अगर आपसे कोई फतवा पूछा जाए और वो फतवा जो है आपको उसका इल्म है तो तीन चीज़ें बताइए कि तीन चीज़ें हों तब फतवे का जवाब देना वाजिब है, और इन तीनों के खिलाफ कोई बात हो तो आपसे अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप पर वाजिब नहीं है कि आप फतवे का जवाब दें। ये अहल लोगों के लिए, जो फतवे रहने के अहल हैं, जो मुफ्ती हैं, जो अलमा हैं, उनको ये भी कभी कभी एक्सेप्शन होता है कि वो कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दे सकते। मसलन ये शेख इब्न उसैमीन की इबारत है अल-उसूल मिनल उसूल, जो उसूल फिक्र किताब है, उसमें उन्होंने तीन सूरतें बयान की हैं। पहली सूरत यह है कि आपसे जब कोई सवाल करने के लिए आए, अगर आपसे ऐसे मामले में सवाल करना है जो वाक़ हो चुका है, वक़ूल हादिसा अल-मसूल अनहा, जिस वाक़े के बारे में सवाल किया है वो वाक़ हो चुका है, तो आप उसका जवाब दें, आप पर वाजिब है जवाब देना। लेकिन अगर किसी ऐसी चीज़ के जो फर्जी चीज़ है, एक चीज़ जो है वो बस फ़र्ज़ करके और जो है वो सपोज करके कोई मसला इमेजिन करके और फिर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आप पर जवाब देना वाजिब नहीं। मसले का जब जो मसाइल वाक़ हो चुके हैं उनका जवाब देना आप पर वाजिब है, फर्जी मसाइल का जवाब देना आप पर वाजिब नहीं है। हाँ, बाज़ मसाइल ऐसे हो सकते हैं जो लाजिम है कि ऐसा होगा, पता है, यकीनी तौर पे पता है कि ऐसा होगा, तो उसका जवाब देना वाजिब है। जैसे अल्लाह के नबी हमसे पूछा गया था कि जब दज्जाल आएगा तो जब दीन इतना लंबा हो जाएगा तो हम नमाज कैसे पढ़ें, तो वाक़ तो नहीं हुआ था लेकिन उनका वाक़ होना यकीनी था। तो अगर किसी वाक़े का वाक़ होना यकीनी है तो उसका जवाब देना वाजिब है, या वाक़ हो चुका है वो एक मामला और उसके बारे में सवाल किया जा रहा है तो मुफ्ती के लिए वाजिब है कि उसका जवाब दे। बाकी ऐसे ही फर्जी मसाइल कोई पूछ रहा करके तो उसका जवाब देना वाजिब है। इसी तरह से जो सवाल करने वाला है अगर वो हक हासिल करने के लिए और हक की इत्तिबा करने के लिए सवाल कर रहा है तो उसका जवाब देंगे। लेकिन उसका मकसद अगर कोई बुरा मकसद है, वो आप बस आपको जलील करने के लिए सवाल कर रहा है, आपसे बहस करने के लिए सवाल कर रहा है, उलमा की आरा आपस में टकरा करके मजा ले रहा है, वो इनको उलमा को उनसे लड़ाना, ये इसको मकसद है, या इसी तरह के अगर दूसरे बुरे मकासद हैं जिनकी वजह से वो सवाल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका जवाब देना वाजिब नहीं है। और तीसरा ये है कि बाज़ मरतबा फतवा देने से बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा हो और चुप रहने से उतने बड़े नुकसान का अंदेशा ना, तो ऐसी सूरत में चुप रहना बेहतर होता है। ये भी है कि आपको देखना बाज़ मरतबा बाज़ सूरतों में ये होता है कि फतवा देना ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो सकती है। मुमकिन है किसी मसले में ऐसा सवाल किया गया कि आप फतवा दे तो आपको कत्ल कर दिया जाए या आपको कैद कर दिया जाए, और आप चुप रहें तो भी नुकसान हो लेकिन वो नुकसान उतना बड़ा ना हो कि आपके कत्ल और आपके कैद कितना बड़ा नुकसान हो, तो ऐसी सूरत में आपके लिए जायज़ है कि आप खामोश रहें। जैसे खल्के कुरान के मसले में जब फितना उठा खल्के कुरान का, तो बहुत सारे उलमा जो है वो खामोश रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, या ये कह दिया कि कुरान मजीद भी अल्लाह की मखलूक है, हालांकि कुरान मजीद अल्लाह की मखलूक नहीं है। तो ऐसे मौके पर बाज़ मरतबा शदीद नुकसान का अंदेशा हो तो आदमी को अल्लाह ने इजाज़त दी कि वो खामोश भी रह सकता है। गालिबन अनस इब्न मालिक के बारे में आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत मालिक इब्न अनस से या किससे सवाल किया, गालिबन हजरत मालिक इब्न अनस से सवाल किया, हजरत मालिक इब्न अनस से सवाल किया कि सबसे शदीद तरीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा कौन सी दी है, तो हजरत मालिक इब्न अनस ने बयान किया कि पता नहीं मालिक इब्न अनस थे या कोई और, तो कोई और जो है आलिम, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने सबसे शदीद सजा जो है वो उन लोगों को दी थी जिन्होंने मदीना में वाकई एक वाकया हुआ था, वो कुछ डाकू थे जिनको अल्लाह के नबी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊँटों के बाड़ों में भेज दिया था क्योंकि उन्हें बुखार चढ़ गया था। तो फरमाया था कि जाकर वहाँ ऊँटों का पेशाब पियो और दूध पियो तो उससे तुम्हारी सेहत दुरुस्त हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पर जो चरवाहे थे उनको कत्ल कर दिया था और वो ऊँट उठ करके लेके चले गए थे, तो अल्लाह के नबी ने उनको पकड़वाया और पकड़ने के बाद उनके हाथ पर काट दिए गए, उनकी आंखों में जहर की सलाई फेर दी गई और उनको प्यासा छोड़ दिया गया, इसी हालत में वो मर गए। तो जब ये वाकया उस आलिम ने हज्जाज बिन यूसुफ को बयान किया और ये बात हसन बसरी को पता चली, तो हसन बसरी ने कहा कि काश वो ये जवाब नहीं देते, यानी बात तो उन्होंने सही की लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ असल में अपना जुल्म जो है बढ़ाने के लिए वो जानना चाहता था, तो अब उसको ये बात पता चल गई तो वो इस हालत में भी लोगों को सजा देगा। तो उन्होंने कहा कि ये काश ना बयान करते तो बेहतर होता, तो कभी कभी हक बात बयान कर देने में ज्यादा बड़ा नुकसान होता है, तो ऐसे मौके पर हक को छुपाने की भी इजाज़त है उलमा को। कभी कभी ऐसी मसलहतें होती है जहाँ पर जैसे बाज़ लोग होते हैं ना वो रुख्सतें तलाश करने के लिए कि मुझको कोई हलाल का कोई रास्ता मिल जाए, मुझे एक काम करना है, सारे उलमा जो है वो उसको बता रहे हैं आराम आराम है। अब किसी के नज़दीक एक चीज़ है कि उसको हलाल हो सकती है, पर पता है कि ये बंदे का मिजाज कैसा है, इसको अगर पता चल गया तो ये इसके इस बास लोगों के लिए इल्म नुकसानदा होता है। तो ऐसे आदमी से अगर इल्म छुपा लिया जाए तो उसमें इंशाल्लाह ताला कोई हर्ज की बात नहीं है। तो बाज़ मतलब ये चीज़ें भी जो है मसलहत में शामिल होती हैं। अच्छा, जो हमने अल्लाह इल्म छुपाने में क्या आता है, शरीय अहकाम भी नहीं छुपाना चाहिए और शरीय अहकाम के साथ साथ जो इज्तिहादात होते हैं उनमें कुछ तो कुरान सुन्नत के नुसूस हैं और कुरान और सुन्नत की नुसूस से बाज़ मरतबा इज्तिहाद आदमी करता है, तो इज्तिहादात को भी नहीं छुपाना है। बल्कि बाज़ उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अगर माशरे में कोई आदमी गुमराही फैला रहा है और आपको पता है कि गुमराही फैला रहे हैं, कोई आदमी नाअहल है और वो फतवा दे रहे हैं, तो ये भी आप पर लाजिम है कि आप उसका भी इल्म आपके पास है तो आप मत छुपाइए। आपको पता है कि एक आदमी
फतवा देता है, हालांकि फतवा देने का अहल नहीं, गलत गलत फतवा देता है, और आप उसकी नाहलियत को जानते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप लोगों को बताएं कि ये फतवा देने के लायक नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप नहीं बताएंगे जानने के बावजूद भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इल्म छुपाना हो जाएगा। तो मेरे साथ इस तरह के मामले होते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जो है अफराद हैं जो वो डेयर टू आस्क वाला जिनका मिजाज होता है कि उनको ना अरबी आती है, कुरान से पढ़ना नहीं आता, हदीसें पढ़नी नहीं आती, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, और फिर वो फतवा देते हैं स्टेज पे खड़े होकर के, और हालांकि उनकी जबान से कुरान सुनकर के समझ में आ जाता है कि फतवा देने के अहल नहीं है। फिर जब उनकी इस्लाह की जाए और लोगों को बताया जाए कि भाई ये फतवा देने के अहल नहीं है, तो लोग बोलते हैं आप उनसे अकेले में जाकर के मिलिए, उनको अकेले में समझाइए। नहीं, ऐसे जो गुमराह लोग हों, जो गुमराही फैला रहे हों, जो फतवा देने के अहल नहीं है फिर भी फतवा दे रहे हैं, ऐसे लोगों की जलालत को, इनकी गुमराही को, इनकी नाअहलियत को वाजे करना ये जिम्मेदारी है उलमा की। और अगर उलमा ये काम नहीं करेंगे तो वो गुनहगार होंगे। ये भी कितमान इल्म है, ये भी इल्म छुपाना है। गुमराह लोगों के बारे में अगर आप जानते हैं कि गुमराह है और फिर भी आप खामोश रहे और लोगों को उनके पीछे चलकर के गुमराह होने देंगे, तो आपको भी इल्म छुपाने का गुनाह मिलेगा। ये भी इल्म छुपाना है। और इसी तरह से हमको ये भी पता चला ना कि हमारी माशरे की जिम्मेदारी कि हम अपने माशरे में उलमा पैदा करें, उलमा बनाएं, अपने बच्चों को आलिम बनाएं। क्योंकि इल्म छुपाने में ये बात भी आ जाएगी ना कि आप उलमा हो ही नहीं रहे आपके माशरे में, तो कोई आपको सही गलत बताने वाला ही नहीं रहेगा। इल्म हासिल ही नहीं करेगा तो इल्म छुपाएंगे कैसे? इल्म छुपाने का सबसे पहले का मरहला इल्म हासिल करना है ना। अगर अपने माशरे में उलमा ही नहीं होंगे, हमारे बच्चों में उलमा पैदा ही नहीं होंगे, कुरान और हदीस पढ़ने वाले, इज्तिहाद करने वाले, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन पैदा ही नहीं होंगे, तो इल्म छुपाने का मरहला कब आएगा? जब इल्म हासिल ही नहीं किया। तो इस आयत से भी पता चलता है कि हमारे माशरे में अहले इल्म का वजूद जरूरी है और उसके लिए हमको कोशिश करना चाहिए। तो अब यहाँ पे बता दिया कि इल्म छुपाने का क्या गुना है, आगे इल्म बताने का गुना बता सवाब बता रहे हैं। फरमाए इल्लल्लज़ीन ताबू, हाँ वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली, यानी पहले उन्होंने इल्म छुपाया था लेकिन फिर तौबा कर ली, वो असलहू और इस्लाह कर ली, वबैनु और जो भी उन्होंने छुपाया था उसको बयान कर दिया, फौलाइकातुब अलैहिम, तो मैं उनकी तौबा कबूल करता हूँ, वअन तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहीम। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि गुनाह तो उनका है जिन्होंने इल्म छुपाया और इसी हालत में वो चले गए, उन्होंने तौबा नहीं की, लेकिन वो लोग जिन्होंने कभी इल्म छुपाया था अल्लाह ने उनके लिए रास्ता खोला है। क्या रास्ता है? तौबा करें। लेकिन गुनाह की छोटा मोटा नहीं था, बड़ा गुनाह था, सिर्फ तौबा से माफ नहीं होगा उनको, उसके साथ उनको क्या करना पड़ेगा? असलहू, उनके इल्म छुपाने की जो डैमेज हुआ है, जो फसाद हुआ है, जो नुकसान फैला है, उस फसाद को खत्म करना पड़ेगा। उनके इल्म यानी इल्म छुपाने से फसाद होता है, इल्म छुपाने से लोगों का नुकसान होता है, वो जो डैमेज होने का, क्रिएट करने का ये सबब बने हैं। अब इनका काम क्या है? वो इस्लाह का भी काम करें, उस डैमेज का जो है ना उसको रिकवर करें, तो बैनो, और जो उन्होंने छुपाया था उसको फिर लोगों में खोल करके बयान करें। सिर्फ तौबा काफी नहीं है, बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं ना जिनमें तौबा सिर्फ काफी होती है, अपने तौबा की अल्लाह माफ फरमा देगा। बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ तौबा काफी नहीं होती, तौबा के साथ साथ उस गुनाह की वजह से जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, उसको खत्म करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो जो लोग तौबा करने के बाद सिर्फ तौबा से इनका गुनाह माफ नहीं होगा, क्योंकि गुनाह बहुत बड़ा है, कबायर गुनाह में से, कबायर गुनाह में से जिना और चोरी और बदकारी, इन इस सतह का ये गुनाह है, कत्ल के सतह का ये गुनाह है। तो फरमाया तौबा करने के बाद काफी नहीं कि तुम तौबा कर लो, क्योंकि बंदों का हक आपने लिया ना, और बंदों के हुकूक, हक, हिदायत का इल्म हासिल करना ये बंदों का हक था। बंदों के लिए अल्लाह ने हिदायत नाजिल की थी, आपके पास हिदायत मिली, तो अमानत का तकाजा ये था कि जो इल्म आपको मिला है वो उसके मुस्तहिक तक पहुंचा दें। क्योंकि आलिम जो होता है ना वो जिम्मेदार होता है, उसको अल्लाह ताला की अमानत अल्लाह ताला ने दी है, वो वारिस है अल्लाह, और उसका काम है कि जो इल्म उसके पास आया है वो इल्म उम्मत तक के पहुंचा दे, ये उसकी अमानत का तकाजा है। और उसने क्या किया है? इल्म छुपा करके अमानत में खयानत की है। किन लोगों के साथ खयानत की? अल्लाह के साथ भी खयानत की और अल्लाह के बंदों के साथ भी खयानत की। मैं, मेरे जिम्मे कोई सामान हो जो मुझे आप तक पहुँचाना हो, अगर मैं नहीं पहुँचाऊँ तो मैं अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी तो कर ही रहा हूँ, आपके ऊपर भी जुल्म कर रहा हूँ, क्योंकि वो सामान उस पर आपका हक था, मेरा ये काम था कि मैं आप तक पहुँचा दूँ, और मैंने अगर नहीं पहुँचाया तो गोया कि मैंने आपके हक में ज्यादती की। तो कितमाने इल्म जो है वो अल्लाह के हुकूक में भी ज्यादती है और बंदों के हुकूक में भी जुल्म है। और बंदों के हक में जब आप कोई जुल्म करते हैं तो सिर्फ तौबा काफी नहीं होती, बल्कि उस जुल्म का खात्मा भी करना पड़ता है। तो क्योंकि हमने इल्म छुपा करके बंदों के साथ जुल्म किया है, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि सिर्फ तौबा काफी नहीं होगी, बल्कि जो डैमेज हुआ है तुम्हारी वजह से उसको तुम रिकवर करो, उस डैमेज को खत्म करो, इस्लाह करो लोगों की, बैनु, लोगों के सामने बयान करो, फऊलाइकातुब अलैहिम, तो मैं उनकी तौबा कबूल करता हूँ, अना तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, माफ करने वाला हूँ, तौबा की तौफीक देने वाला हूँ और रहम करने वाला हूँ। तवाब का माना दो होता है, इसे पहले भी बता चुका हूँ। तवाब का एक माना होता है बहुत ज्यादा तौबा की तौफीक देने वाला, और दूसरा माना होता है तौबा कबूल करने वाला। तो तौफीक देना यानी अल्लाह ताला बंदों को तौफीक भी देता है तौबा की, अगर अल्लाह ताला तौबा की तौफीक ना दे तो बंदे को तौबा की तौफीक नहीं मिल सकती है, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करता है।
صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے, توبہ مبالغہ کا صیغہ, یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے, بہت زیادہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور بندے کے ہر طرح کی گناہ معاف فرماتا ہے اور ہر کوالٹی کی گناہ معاف کرواتا ہے, ہر کوانٹیٹی میں گناہ معاف فرماتا ہے. یعنی شرک بھی کرے اور توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے, اور 99 قتل کرنے والوں کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا. تو ہر کوانٹیٹی اور ہر کوالٹی اور ہر بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا. تو جیسے کتمان علم بہت بڑا گناہ ہے, علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے, ویسے علم کو بیان کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان العالم لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیطان فی جوف الماء, کہ ایک عالم کے لیے جو حق کو بیان کرنے والا ہو, لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو کھول کر کے رکھ دینے والا ہو, لا یستغفر له, تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر وہ مخلوق جو زمین و آسمان میں ہے, حتی الحیطان فی جوف الماء, یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. دیکھیے جو چھپانے والے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے, اور جو بتانے والے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا, ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی ہے. آپ دین کے معاملات کو پہنچاتے ہیں لوگوں تک کے, تو آپ بھی اس فضیلت میں شریک ہو جاتے ہیں ایک عالم کے ساتھ. اس لیے ہم کو علماء کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. ہم اگر خود عالم نہیں بھی ہیں تو ہم علماء کے علم کو نشر کرنے کے لیے سبب تو بن سکتے ہیں. آج کے دور میں جو میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے, اتنا تو کر سکتے ہیں جیسے عالم کی ویڈیو آپ کو ملی, ویڈیو چار گروپ پہ فارورڈ کر دیں, ہاں آپ علم کو پھیلانے والے بن جاتے ہیں. آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں, لوگوں تک کے پہنچا دیں, کوئی قرآن کی آیت, کوئی حدیث, کوئی ترجمہ مستند علماء کا. ورنہ مسئلہ یہ ہوگا کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہی کو پھیلانے کے ذریعے آپ بن جائیں گے, لیکن جو مستند لوگ ہیں, مستند علماء ہیں ہمارے, جو کبار علماء ہیں ہمارے, ان کے علم کو پھیلانا, ان کو نشر کرنا, لوگوں تک کے اس علم کو پہنچانا, یہ بڑی نیکی کا کام ہے. اور یہ عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ علم کو بیان کرتا ہے, عالم مطلب نہیں صرف علم حاصل کر کے اپنے پاس بیٹھ گیا, کیونکہ وہ علم کو بیان کرتا ہے, اس کے علم کے بیان کرنے والا, اس کی وجہ سے زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے ہر مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے. جیسے علم کو چھپانے کی وجہ سے زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو نقصان ہو رہا تھا, اس لیے ہر مخلوق اس کے لیے بد دعا کر رہی تھی, لعنت بھیج رہی تھی اس پر کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. ایسے ہی علم پھیلانے کی وجہ سے ہر مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے, حتیٰ کہ جاندار سے جو ہوتا ہی ہے بے جان مخلوق کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو بے جان مخلوق اور جاندار مخلوق ہر چیز جو ہے نا ان کے لیے دعا کرتی ہے, دعا کرتی ہے, یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں جن کی تعداد ہم کو نہیں پتا ہے نا, مچھلیاں کتنی بڑی تعداد میں ہم کو نہیں پتا ہے, وہ مچھلیاں بھی علماء کے لیے دعا کرتی ہیں. علم کی فضیلت ہم کو پتا چلتی ہے, دعوت کی فضیلت ہم کو پتا چلتی ہے, اور جب ہم علماء کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, ان کا تعاون کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ہم بھی اس فضیلت میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو جب ہم الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیہم, یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ یہاں پر اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, یہاں پر اللہ رب العالمین نے کون سا صیغہ استعمال کیا, مضارے کا صیغہ استعمال کیا, مضارے غائب کا صیغہ استعمال کیا. اور اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتوب علیہم یہاں پر صیغہ استعمال کیا واحد متکلم کا, وہاں پہ مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا, یہاں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا. تو اس کو کہتے ہیں التفات, یعنی ایک ہی جملے میں, ایک جملے میں اللہ تعالیٰ ایک الگ صیغہ استعمال کرتا ہے اور آگے چل کے ایک الگ صیغہ استعمال کر لیتا ہے. اس کا مقصد علماء نے بیان کیا کہ ایک مخاطب, جیسے ہی صیغہ تبدیل ہوتا ہے چینجنگ کی وجہ سے مخاطب کا ذہن فوراً کلام کی طرف جاتا ہے, تو اس وجہ سے بھی یہ صیغہ استعمال, یہ جو ہے التفات ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر, جیسے سورہ فاتحہ میں نے بتایا تھا. اور یہاں پہ فاولئک اتوب علیہم, کہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم جن کی ہم توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی التفات ہوا نا, انزلنا جو ہے وہ انزلنا جمع صیغہ سے گئے, انزلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے, اور یہاں پر پھر کیا ہو گیا, جمع متکلم کے بعد یہاں پر صیغہ آ گیا واحد مذکر کا, اور یہاں پر بھی وہ التفات ہوا. تو التفات کا فائدہ کیا ہوتا ہے, مخاطب کے لیے تنبیہ ہو جاتی ہے. اب اس سے ہم کو پتا چلا کہ علم چھپانا بہت بڑا گناہ ہے اور علم بیان کرنا بہت نیکی کام ہے. اس سے ہم کو پتا چلا اگر کسی نے علم چھپایا ہے تو اس پر واجب ہے, اگر کوئی باطل بات کہہ دی ہے تو لوگوں پر واجب ہے کہ وہ بتائے اس کو کہ لوگوں سے کیا بات کی ہے, ہم نے جو غلط بات کہی اس غلط بات کو واضح کرنا بھی لوگوں پر ضروری ہے. اور توبہ جو ہے وہ بغیر ان تین چیزوں کے قبول نہیں ہوگی. اگر کسی نے علم چھپایا تو اس کو تین کام کرنے پڑیں گے, پہلا توبہ کرنا پڑے گا, دوسرا اصلاح کرنی پڑے گی, تیسرا اپنے جو غلطی ہے اس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا پڑے گا. اس سے اس گناہ کی قباحت اور اس کی عظمت بھی ہم کو پتہ چلتی ہے. تو اس آیت پر آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو علم کو نشر کرنے والا, علم کو بیان کرنے والا بنائے, اللہ رب العالمین علم چھپانے کی گناہ سے ہم کو محفوظ رکھے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ان شاء اللہ تعالیٰ. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن المجید وانفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.